हेलो, वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। आज हम देखने वाले हैं कि आप पासवर्ड बेस्ड लाइक ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन कैसे कर सकते हो अपने मर्नस्टैक ऐप में। एक्चुअली मैंने इसको प्रीवियसली कवर किया था, वो अपना जो फ्लेवर है ऐप का बैकएंड किया था, आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर आई बटन में लिंक मिलेगी या फिर डिस्क्रिप्शन में तो लिंक आपको मिल ही जाएगी। वहाँ पर हमने इसको रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट किया था, बट ट्यूटोरियल के लिए, क्योंकि कुछ कुछ लोगों ने वो ट्यूटोरियल देखा नहीं है कि बिकॉज उनको लगता है कि उन्होंने फ्लेवरों का फर्स्ट पार्ट नहीं किया। तो मैं एक्सप्लिसिटली आपके लिए सिर्फ कर रहा हूँ। ओके, फर्स्ट लेट मी चेक इज माई ओबीएस स्टूडियो वर्किंग प्रॉपरली, या इट्स वर्किंग। चलो यार, डेमो देख लेते हैं आज क्या होने वाला है। तो देखो, आज हम ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन देखने वाले हैं। बहुत सिंपल सा ऑथेंटिकेशन है, अगर आप ये वीडियो देखते हैं आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, क्रिएट अन अकाउंट, अकाउंट क्रिएट करते हैं लाइक test1@test.com से, और पासवर्ड देंगे 123456 78। ग्रेट, अगर हम इसको साइन अप कर देते हैं, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, और हमें नेविगेट होना चाहिए था लॉगिन पे, ठीक है, वो हम भी फिक्स करेंगे अभी नीचे। जब हम लॉगिन पे एग्जिस्टिंग अकाउंट करेंगे, और जब हम करेंगे ये क्या test1@test.com और पासवर्ड 123456 78, इसको अगर मैं लॉगिन करूँगा, दैट्स इट, यूज़र लॉग इन सक्सेसफुली। ग्रेट, ठीक है। ज़्यादा इस टाइम पर स्टाइलिंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया मैंने, मैंने सिर्फ हमारे ऑथेंटिकेशन के ऊपर ध्यान दिया ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं वापस अगर लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं उसी ईमेल से अगर वापस से साइन अप करूँगा तो एरर आएगा। ऑब्वियसली साइन अप होगा नहीं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। बट ठीक है, देखो मैं क्रिएट एन अकाउंट किया, अगर वापस से मैं test1@test.com पे करूँगा कुछ होगा नहीं, देखो, ठीक है, साइन अप करूँगा, नथिंग इज़ हैपनिंग। ठीक है, मैं लॉग इन करूँगा तो लॉग इन हो जाएगा, लेकिन समझो मैं test1@test.com करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ भी रैंडम पासवर्ड डालता हूँ, लॉग इन करता हूँ, इसका मतलब क्या, अभी मैं देखो अगर मैं रिक्वेस्ट में चेक करूँ, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ रहा है, ठीक है, मतलब मैं पासवर्ड भूल गया। तो आप क्या करेंगे, तो मैंने फंक्शनलिटी डाला है पासवर्ड पर, ठीक है, फॉरवर्ड पासवर्ड का। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यह लॉग इन ये इग्नोर कर दो, वो भी चेंज करेंगे। अब मैं यहाँ पे ईमेल दाऊंगा, दैट इज test@test.com, सो मैं यहाँ पे test1@test.com जो मेरा नया ईमेल है वो सेंड OTP करूँगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे OTP सेंड सक्सेसफुल, और मैं एक वेरीफाई पेज के ऊपर लॉग इन हो गया, रिडायरेक्ट हो गया। अब देखो मेरे पास यहाँ पे ईमेल आ गया, मेल ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने आपको वीडियो में ये भी बताया कि आप जीमेल के साथ इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। 2838 बन गया, और मैं इस 2838 को डालता हूँ, और मैं नया पासवर्ड यहाँ पे बनाता हूँ, दैट इज़ मेरा क्या है, TESTPERSON, ठीक है, वेरीफाई कर रहा हूँ। देखो पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अगर मैं वो test1@test.com पे कर रहा हूँ, और पासवर्ड अगर मैं पुराना डालता हूँ इस टाइम पे 123456 78, और लॉग इन करता हूँ, लॉग इन बिल्कुल नहीं होगा। कंट्रोल शिफ्ट आई करूँगा, देखो लॉग इन नहीं होगा, और आपको एरर क्या मिलेगा यहाँ पे, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। लेकिन वही अगर मैं अभी नया पासवर्ड डालता हूँ TESTPERSON, और अगर मैं इसको लॉग इन करता हूँ, दैट्स इट, लॉग्ड इन सक्सेसफुली। तो यही हम सब आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही अच्छे से पेस में मैंने किया है, लेकिन मेरा एनर्जी थोड़ा कम है आज, तबीयत बहुत ख़राब है मेरी इसलिए, लेकिन आपको ये वीडियो सब कुछ सिखाई जाने वाली है। सो प्लीज़ बी टिल एंड एंड डू लाइक द वीडियो। हम क्या करते हैं, अभी दिस PC पे जाते हैं, एंड नाउ Coder29 React Projects Just Projects एंड हियर CMD करेंगे हम, और बोलेंगे MKDIR, और या फिर हम क्या बोलते हैं, NPX create wheat@latest। हम एक React app create कर रहे हैं, और फिर हम उसके अंदर ही backend भी create करेंगे। So create wheat@latest से हमारा जो है React app बन जाता है, जो कि wheat के through बनता है। Okay, now it's taking time, और जितना जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है। तो हम इस प्रोजेक्ट का नाम क्या देंगे, हम इस प्रोजेक्ट का नाम देंगे दैट इज वेरीफाई ओके OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। फिर हम इसको बोलेंगे कि तुम भाई रिएक्ट के थ्रू दे दो, जावास्क्रिप्ट यूज़ करो, एंड देन हम क्या करेंगे, CD करेंगे OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन में। ओके, OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन, OTP ऑथेंटिकेशन नहीं, CD.. आई नीड CD OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन, देन आई विल परफॉर्म NPM
आई भी करूँगा, npm आई तो भी मेरा काम चल जाएगा। सो ये देखो ये इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पे, आप थोड़ा आगे वीडियो स्किप कर सकते हो, दैट्स इट। अब जैसे ही ये प्रोजेक्ट हो जाएगा, हम इस टाइम पे क्या करेंगे, हम इस ट्यूटोरियल में पहले मैं इसको कोड डॉट करके VS कोड में खोल लेता हूँ, कोड डॉट करके, इसकी मुझे नीड नहीं है, ये कोड डॉट करके VS कोड में मुझे खोल के दे देगा। अब हमारी बात ये है कि मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है, मैं क्या चाहूँगा, मैं साइमल्टेनियसली जो है चीज़ों को इस टाइम पे बिल्ड करूँगा। मैं ऐसे नहीं करूँगा कि मैं पहला फ्रंट एंड बिल्ड करूँगा बाद में बैक एंड, लाइक हम साइमल्टेनियसली चीज़ों को बिल्ड करेंगे। सो फ्रंट एंड के लिए हमें कुछ कुछ चीज़ों की रिक्वायर्ड है, वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्ट राउटर डॉम, क्यों, जो हमें रिएक्ट नेविगेशन हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो सेकेंड इज टेलविंड, टेलविंड विद वेट, ओके। सो VTI नहीं वीट, तो ये हमारे टेलविंड CSS इंस्टॉल करेगा। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल npm i रिएक्ट राउटर डॉम, रिएक्ट राउटर डॉम जो कि मुझे राउटिंग करने के लिए हेल्प करेगा। सेकेंड इज रिएक्ट आइकॉन्स, जो मुझे समझो आइकॉन्स की नीड पड़ी तो, लेकिन मैं यूज़ तो नहीं करूँगा इस प्रोजेक्ट में आइकॉन्स, एक्चुअली है क्या, नहीं, ठीक है, रिएक्ट आइकॉन्स की मुझे इतनी नीड नहीं है। मैं यूज़ करूँगा रिएक्ट हॉट टोस्ट, और ये दो पैकेजेस मैं इंस्टॉल करूँगा मेरे इस एप्लीकेशन में, ठीक है। हम जाएंगे यहाँ पे और इस प्रोजेक्ट की जो भी चीज़ है, देखो मैं पूरा का पूरा कॉपी करूँगा, ठीक है, एंड देन देखो ये रिएक्ट राउटर डॉम में पेस्ट करूँगा, एंटर करूँगा, अब ये करके दे देगा मुझे, ये इंस्टॉल होगा। यस, अब ये हो गया, देखो मैंने मेन चीज़ तो कर दी। अब हम क्या करते हैं, इसको इस फाइल को कॉपी करते हैं और जो हमारी ये फाइल क्रिएट हो गई होगी यहाँ पे आके tailwindconfig.js में इसको कंट्रोल ए बैकस्पेस और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या बचा, index.css में ये चीज़ को अपडेट करेंगे हम लोग, कॉपी करेंगे यहाँ से और index.css मेरी सोर्स के अंदर index.css कंट्रोल ए बैकस्पेस कंट्रोल वी, दैट्स इट, डन, ओके। नाउ कुछ ये चीज़ बचती है, मैं इसको कॉपी करूँगा इस लास्ट पार्ट को, और हमारा app.jsx है, main.jsx नहीं, app.jsx, इसके अंदर कंट्रोल ए बैकस्पेस और कंट्रोल वी करेंगे, और मुझे app.css की नीड नहीं है तो मैं इसको शिफ्ट डिलीट करके उड़ा दूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, npm run dev करूँगा, देखो ये टाइप हो रहा है, थोड़ा सा डीले है लेकिन हम मैनेज कर लेंगे, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं, क्योंकि आज तक मैनेज करते हैं। अब यहाँ पे आके लोकल होस्ट 5173 पे एंटर करेंगे, तो अब देखोगे कि यहाँ पे जो मेरा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, देखो ये डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो गया थे, ओके ग्रेट, ये हो गया। अब लेट मी चेक कि अब हेलो वर्ल्ड मेरा यहाँ पे दिख रहा है मुझे, दैट्स इट, मतलब मेरा टेलविन सी एस एस अप्लाई है। मैं क्या करूँगा, मैं फटाक से जाके मैं index.css में मैं काम करता हूँ, मैं क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पे आके मैं एक यूनिवर्सल चीज़ लगाऊँगा और यहाँ पे बोलूँगा कि BG, या फिर मैं बॉडी पे लगा देता हूँ, मैं बॉडी पे लगाऊँगा, बॉडी पे, एंड आई विल से कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कर दो हैशटैग F5 या फिर F7, सो लेट्स चेक, F5 ये ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं F5, ओके। नाउ लेट्स चेक ये कौन सा कलर है, या अब देखते हैं क्या वो कलर अप्लाइड है, यस वाइट ही है क्या यार, ग्रे कलर एक होता है यार, F5 तो टीचर पच्चे और FI करके देखता हूँ, ये कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा, हाँ ये कलर है, ठीक है, थोड़ा बहुत ग्रेश में, दैट्स इट। अब हम क्या करते हैं, एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे हम इसको क्लोज करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे रिएक्ट नेविगेशन को है जो यूज़ करेंगे, तो कैसे, क्या बोलेंगे हम कि इम्पोर्ट, ओके समथिंग, इम्पोर्ट समथिंग, सो क्या ब्राउज़र राउटर फ्रॉम रिएक्ट एंड राउट्स एज वेल एज
रूट, ठीक है। तो तीन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते आए हो, मैं आपको हर टाइम यही बोलता हूँ, ठीक है, यहाँ पे करो। अब हम इसको पूरा का पूरा हटाएंगे, ठीक है, हटा दिया राज भाई, ओके। अब यहाँ पे पहले हम ब्राउज़र राउटर का सेटअप करेंगे, लाइक ब्राउज़र राउटर, और ये मुझे सजेशंस आ रहे हैं गिटहब कोपायलट के थ्रू, ठीक है। अब सेकंड, आपको राउट्स डिफाइन करनी है और इसके अंदर मेरा हर एक राउट आएगा, ठीक है, राउट पाथ, राउट जिसका पाथ होगा मेरा ये होम, और एलिमेंट कौन सा रेंडर होगा, होम, और ठीक है। अब मैं इस पाथ को हटा दूंगा, मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे हमें कभी भी जावास्क्रिप्ट रेंडर करनी पड़ती है, तो मैं S3 में डालूँगा कुछ ऐसे, H3 H2 में डाल सकता हूँ मैं यहाँ पे, लाइक हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अगर मैं ये करूँगा, आप देखोगे हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। H2 में क्यों नहीं हुआ, बिकॉज़ जब हम टेलमिन CSS को कनेक्ट करते हैं हमारे रिएक्ट ऐप में, या फिर जब वीट के थ्रू जब हम कनेक्ट करते हैं, तब S3 वगैरह जो है नॉर्मल चीज़ हो जाती है, और हमें सब स्टाइलिंग जो है इसके थ्रू करनी पड़ती है टेलमिन CSS के थ्रू, दैट्स इट। अब बात यह है कि हमने हेलो वर्ल्ड वगैरह सब प्रिंट कर दिया, हमारा मेन टास्क ये है कि अब हमें यहाँ पे साइनअप पेज बनाना है, लॉगिन पेज बनाना है, फॉरवर्ड पासवर्ड बनाना है, और वेरीफाई OTP वाला पेज बनाना है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, पहले लॉगिन पेज बनाते हैं। तो हम SRC में आके यहाँ पे, या फिर यहाँ पे हम पेजेस करके कुछ क्रिएट करेंगे, पेजेस, और पेजेस के अंदर हम बोलेंगे login.jsx या फिर signup.jsx। तो मैं RFC करता हूँ, ठीक है। लॉगिन से पहले साइनअप करना बहुत ज़रूरी है, सो फर्स्ट हम साइनअप पेज बनाएंगे, ठीक है। तो signup.jsx, RFC करूँगा, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, ग्रेट। पहली लाइन को हटाऊँगा और मैं यहाँ पे राउट्स को ऐड करूँगा, लाइक पहला ये स्लैश लॉगिन पे अगर हिट हो, तो ये हम क्या करते हैं कि होम पेज पे हमारा ये रेंडर होगा, राउट पाथ साइनअप पे हमारा साइनअप नहीं रेंडर होगा, एक्चुअली ये कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, तो कंपोनेंट हमारा आएगा साइनअप, साइनअप, ठीक है। सो आप अभी अगर देखोगे तो इट्स लाइक हियर, साइनअप करेंगे तो हमारे को यहाँ पे साइनअप दिखा रहा है। जब हम होम पेज पे आएंगे तो हमारा देखो वो यहाँ पे जो H1 H2 जो दिया है वो रेंडर हो रहा है, दैट्स इट। अब साइनअप पेज के ऊपर हम आके हमारा यहाँ पे फंक्शन लिख देते हैं। सो इस div को मैं ऐसे ही रखना चाहूँगा, और हम यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमारा बाकी सब डेटा होगा। नाउ लेट्स से कि यहाँ पे फॉर्म में हम क्या करेंगे, पहले हम एक H2 बनाएंगे, दैट इज क्रिएट योर अकाउंट, ठीक है, क्रिएट योर अकाउंट अकाउंट, ओके। अब जो क्रिएट योर अकाउंट के बाद मैं यहाँ पे, ठीक है, 2 मिनट, अब क्रिएट योर अकाउंट में करूँगा तो आपको, आपके पास कुछ सरप्राइजेस नहीं रहेगा, बिकॉज़ यहाँ पे इसको मैं अगर यहाँ पे साइन अप कर दूँगा, एक्चुअली हम ये क्या कर सकते हैं, हम इसको उठा भी सकते हैं, बट मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो हम पहले, मुझे इसको मिडल में लाना है, तो मैं इस डिव को पहले एक काम करता हूँ, क्लास नेम देता हूँ, क्लास नेम मैं इसको बोलूँगा विद स्क्रीन हो जाए, ठीक है, विद स्क्रीन, और इसकी हाइट जो है स्क्रीन हो जाए, ठीक है। तो ये पूरी जगह ले लेगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम्स है वो सेंटर है, सो अलाइन सेंटर करूँगा, अलाइन आइटम्स, सॉरी आइटम सेंटर, ठीक है, आइटम्स सेंटर। तो और मैं इसको कुछ क्लास नेम दूंगा, दैट इज BG White और Shadow MD, ओके। अब देखो मैं आपको यहाँ पे चेंजेस दूंगा, देखो यहाँ पे एक्चुअली वाइट कलर ही हो गया, मैं इसको शैडो MD,
एक्चुअली मैं देखो विथ दूंगा, विथ इज इक्वल गोइंग टू बी 50 VW, और 50 VW के विथ के थ्रू अब हम इसको अगर देखते हैं तो कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके मैं इसके राउंडेड LG कर दूंगा, तो ये कॉर्नर राउंडेड हो गए, और राउंडेड LG इतना गुड नहीं दिख रहा, राउंडेड MD करूंगा तो ये इतना दिख रहा है। ठीक है, अब मैं मिनिमम हाइट इसकी 50 VW करो, VH करूँ, तो आप देखो 2 मिनट है, मैं इसको 50 VH करना चाहूँगा, 50 VH। सो आप देखोगे कि यार ये इतना इतना हो गया है, और फ्लेक्स जस्टिफाई, ओ इसमें हमने फ्लेक्स किया ही नहीं तो अप्लाई नहीं होगा जब तक आप इसको फ्लेक्स नहीं करते, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, हम यहाँ पे हाइट वेट इसकी कुछ नहीं देंगे, 2 मिनट, क्या हुआ ये, हाँ ये गुड, हाइट वगैरह इसकी कुछ दूंगा नहीं मैं फिलहाल, मैं इसका हाइट फिट वगैरह कर दूंगा, ठीक है, और इसके विद भी मैं वेट कर दूंगा फिलहाल के लिए, 40 इज गोइंग टू बी गुड, या फिर 30 VW, गुड। अब क्रिएट एन अकाउंट हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग कर देता हूँ, क्लास नेम ठीक है, फॉन्ट बोल्ड होगा, टेक्स्ट LG होगा, टेक्स्ट LG, व्हाट वी कैन सी इज दिस हियर, ओके, और ये इसमें पूरी में पैडिंग होगा 3 का। अब हमारा फॉर्म का एक्चुअल कंटेंट में जा जाते हैं, जहाँ पे डिव होगा, ठीक है, और डिव के अंदर लेबल फॉर ईमेल होगा, गुड गुड सजेशंस, ठीक है, और सेम मैं डिव लगाऊंगा, और यहाँ पे डिव फॉर पासवर्ड मुझे आना चाहिए, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। मैं रजिस्टर और मैं कर सकता हूँ, बट मैं इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, तो देखो ईमेल पासवर्ड, और बेसिकली मुझे ये आउटलाइन पसंद नहीं, सो दोनों में से अल्ट अल्ट करके आउटलाइन है वो नन कर दूंगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि बहुत अच्छा सा वैसे भी अच्छा दिख रहा है ये, इतना कुछ मुझे ज़रूरत नहीं है मैं इसमें और चेंजेस करने की, शायद मैं इसमें से गैप बढ़ाऊँ, ओ यार सिस्टम लैग, ओके गुड गुड गुड, ठीक है, तो ये 2 div हो गए, यहाँ पे मेरा एक और एक बटन आएगा, और बटन विल से साइन अप, साइन अप, ओके साइन अप, ओ लेट्स सी, लेट्स सी, तो साइन अप बटन है, ठीक है, और इस बटन को एक्चुअली मैं कुछ क्रिएट योर अकाउंट, टेक्स्ट एक्सेल होगा, फॉन्ट कितना होगा, फॉन्ट होगा पर्पल, टेक्स्ट होगा पर्पल 500, तो लेट्स सी, यस क्रिएट अकाउंट, नो इतना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, सो मैं इसका टेक्स्ट एक काम कर रहा हूँ, टेक्स्ट ग्रे 900 दे देता हूँ, या फिर 800 दे देता हूँ, अब देखते हैं कैसा लग रहा है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इस पूरे के पूरे इसको मैं बनाऊँगा फ्लेक्स, और फ्लेक्स कॉलम होगा ये, फ्लेक्स कॉलम, ओके, और मैं इनके गैप दूंगा 3 का, तो आप देखोगे डिफरेंस देखोगे, नाउ हमने जैसे इसको किया ये बीच में इस पर गैप आ गया, और 3 का गैप कुछ ज़्यादा ही अलग दिख रहा है, तो मैं गैप 2 दूंगा, और बाकी का इज़ गुड, गुड इनफ, राइट। मैं इसमें ईमेल के अंदर वगैरह ऑटो कम्प्लीट नन कर दूंगा, या फिर मुझे कुछ ज़रूरत नहीं इसका, और साइन अप का बटन मैं थोड़ा सा स्टाइल करता हूँ, इसमें आके क्लास नेम लगाऊंगा, और आई विल से दैट PX3 PY2, ओके गुड PY2 साइन अप, सो और इसका जो है फॉन्ट है वो बोल्ड हो जाए, और BG होगा दैट इज़ पर्पल 500, ओके सो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, राउंडेड भी कर दूंगा, तो फॉन्ट सॉरी टेक्स्ट ब्लैक, टेक्स्ट ब्लैक, ओके टेक्स्ट ब्लैक ऑलरेडी है, तो मैं टेक्स्ट वाइट दूंगा, एंड आप देखोगे कि इसके अंदर जो राउंडेड है वो LG है। राज भाई आप ये क्यों कर रहे हो, लाइक आप स्टाइलिंग क्यों कर रहे हैं, हमें स्टाइलिंग नहीं सीखना भाई, स्टाइलिंग इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज इसमें सिर्फ इतना सा स्टाइलिंग है, उसके बाद में आप देखोगे कि चेंजेस लाइक आपको यही डिज़ाइन रेप्लिकेट कर करके अपना एप्लीकेशन को बनाना है, और जो वो लोग बोलते हैं ना यार कि
मुझे तो सिर्फ बैकएंड में सीखना है इस वीडियो में, मुझे सिर्फ फंक्शनलिटी मेन सीखनी है मेरे भाई। और जो आप बोलते हो ना कि मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ, तो यार फुल स्टैक डेवलपर का डेफिनेशन है ना वो चेंज हो गया है। लाइक मुझे भी पहले लगता था कि अगर बैकएंड अच्छे से आ गया तो हम फुल स्टैक डेवलपर है और फ्रंट एंड थोड़ा फार आना चाहिए। लेकिन अभी सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज हो गया। लाइक अगर मैं नया डेफिनेशन की बात करूँगा तो फुल स्टैक डेवलपर एक ऐसा डेवलपर होता है जिसको फ्रंट एंड में तो मास्टरी होती है और बैक एंड में आ जाता है थोड़ा फार। ठीक है, तो थोड़ा डेफिनेशन चेंज है तो हमें भी थोड़ा फार चेंज करना पड़ेगा कि नहीं गाइस? यस PY ओ गुड गुड यार, इतना तो ठीक है। और ऊपर से इसको अगर मैं MT MT 1 2 देता हूँ ना, MT 2, तो ये कुछ अच्छा रहेगा। गुड गुड। अब देखो, अकाउंट करने के लिए ईमेल क्रिएट, और मुझे यहाँ पे एक क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे और एक डिव बनाना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा स्पैन। ठीक है, और मैं बोलूँगा और, ठीक है, और मैं बोलूँगा, स्पैन में दैट इज लॉग इन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट, लॉग इन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट विद एक्सेस EXIST एग्जिस्टिंग अकाउंट अकाउंट ओके सी अकाउंट नहीं होता वो अकाउंट होता है, सो AOCOUNT क्रिएट। लेट लेट मी चेक। ओके ये ऐसा है। ओके मैं इसका क्या करता हूँ, उसको क्लास नेम, इसको क्लास नेम देते हैं। ओके सॉरी गुड। क्लास नेम दूंगा और आई से टेक्स्ट एक्सेल। ओके टेक्स्ट SM, टेक्स्ट सॉरी एक्स्ट्रा स्मॉल होगा, और फॉन्ट मोनो दूंगा तो चलेगा। यस इट्स ओके। नहीं, रहने दो, फॉन्ट मोनो वगैरह कुछ नहीं। टेक्स्ट एक्सेल टेक्स्ट ग्रे होगा और टेक्स्ट ग्रे इज गोइंग टू बी 600 के आसपास। नाउ लेट्स चेक व्हाट दिस इज द केस। ओके गुड गुड। मैं इसमें जो है मैं एक्चुअली इसको देता हूँ क्लास नेम, और एल से MR मार्जिन राइट में 2। सो MR 2 देने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और लॉग इन एक्सिस्टिंग अकाउंट। ठीक है, मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, MR 1 दूंगा फिर भी चलेगा। एंड मुझे यहाँ पे कुछ काम करना है, दैट इज़ क्लास नेम देना है, और मैं बोलूँगा यहाँ पे जब भी होवर, या फिर मैं पहले बोलूँगा कि कर्सर हो, कर्सर दैट इज़ गोइंग टू बी पॉइंटर। ठीक है, कर्सर पॉइंटर, और जब भी मैं इसके ऊपर करूँ एक अंडरलाइन आ जाए, तो मैं बोलूँगा जब भी होवर करूँ तो अंडरलाइन आ जाना चाहिए। ओके, और इससे अच्छा मैं ये है यहाँ पे मैं रेड भी लगा दूंगा तो चलेगा, मुझे कुछ इतना इश्यू नहीं है, रेड भी अच्छा दिखेगा इसके ऊपर। ओके दिस इज़ द थिंग। और रेड इज़ गुड, रेड इज़ गुड, रेड इज़ गुड थिंग। और मैं जब इसके ऊपर होवर करूँगा तो मुझे रेड, एक्चुअली मैं मुझे BG रेड 400 या फिर 300, 400 गुड, 400 में। सो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे। देखो अब क्या करते हैं, साइन अप हो गया। अब अगर इसको फ़ोन व्यू में देखेंगे ना तो फ़ोन व्यू में इसमें ग्लिचेस रहेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट यू नहीं, कंट्रोल शिफ्ट आई करूँगा ना, तो देखो ये ऐसा कुछ दिख रहा है। बट क्या मोबाइल व्यू में बिल्कुल सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि जहाँ पे मैंने LG विद ये किया है ना, तो मैं उसको बोलूँगा कि MD मतलब मीडियम डिवाइसेस से ऊपर ये चीज़ें हो, और बाय डिफ़ॉल्ट इसका विद जो है वो हो जाए 80 ATVW। सो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, दिस इज़ द क्रिएटिव अकाउंट। ओके अब ये हो गया है तो चलो इसका कोड भी लिख देते हैं। फ्रंट एंड से हम क्या करेंगे, हम एक और चीज़ लगाएंगे, हम बुलाएंगे एक्जियोस को। तो मैं NPM I एक्जियोस को बुलाऊँगा। एक्जियोस क्या करेगा, एक्जियोस मुझे हेल्प करेगा मेरे बैक एंड से कनेक्शन, लाइक URL मैं API के थ्रू जो डेटा करूँगा ना, API के थ्रू सब मैं लॉग इन वगैरह हैंडल करूँगा। सो ये मुझे API कॉलिंग के लिए हेल्प करेगा। ओके देखो मैंने एक्जियोस इंस्टॉल कर लिया, और NPM रन डेव कर देता हूँ, तो ये चालू हो जाएगा। अब मैं साइनअप के ऊपर यहाँ पे इम्पोर्ट करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ओके
ओके गुड। फिर हम क्या करेंगे, हमें तो और एक चीज़ है कि हमें इंपोर्ट करना है यूज़ स्टेट हुक को, ठीक है, यूज़ स्टेट हुक को भी यूज इंपोर्ट करना है हमें रिएक्ट से, दैट्स इट हमारी चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, दैट इज़ कॉन्स्ट हैंडल साइन अप करके एक फंक्शन होगा जो कि मेरा एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, दैट्स इट। और एक्चुअली इवेंट भी लेगा, इवेंट क्यों लेगा, बिकॉज इसको हम ट्रिगर करेंगे, और इस बटन को मुझे पहले टाइप देने दो, इस बटन का टाइप है वो है सबमिट, ओके सबमिट, ओके। नाउ जब भी ये सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, यू नो दैट वी आर इन द फॉर्म, ठीक है, फॉर्म के अंदर, मतलब हम तो फॉर्म के अंदर पहले से है, बट हम फॉर्म के अंदर है, तो जैसे ही सबमिट बटन मेरा क्लिक होगा, इस फॉर्म में मैं एक ऑन सबमिट फंक्शन में बोलूँगा कि जब भी बटन क्लिक हो तब ये ऑटोमेटिक कुछ तो सबमिट करेगा, ठीक है, जब भी ये सबमिट करे तो हैंडल साइन अप फंक्शन कॉल हो, ठीक है, और ये जैसे फॉर्म सबमिट हो रहा है तो हम इवेंट को ले रहे हैं, ग्रेट, ठीक है। हम बोलेंगे कॉन्स्ट रेस इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस, ठीक है, एक्सिस एक्सिस क्या बना है, एक्सियोस डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट होगा बेसिकली, ये पोस्ट रिक्वेस्ट, यस हमने बैकएंड बनाया नहीं है, और ये कहाँ पे जाएगा, तो ये जाएगा रिक्वेस्ट मेरा http://localhost/5000/api/signup, ग्रेट, ओके। पहले अब हमें एक चीज़ करना पड़ेगा, दैट इज ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट। अब ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट क्यों करेंगे, बिकॉज जैसे ये फॉर्म सबमिट होगा वैसे मेरा पेज रिलोड होगा, एंड इस पेज को रिलोड कर को इस पेज को रिलोड करने से हमें रोकना पड़ेगा, एंड दैट्स इट, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट वही काम करेगा, ये पेज को रिलोड होने से रोकेगा, एंड देन ये बाकी की चीज़ें करेगा, बट ये बाकी की चीज़ें सबमिट करने के बाद, ठीक है, क्योंकि पोस्ट जो एक्सेस ऑफ पोस्ट मेथड है वो पहले तो आपका यूआरएल लेता है कि कहाँ पे आपको डेटा को डालना है, एंड सेकेंड इज गोइंग टू बी, देखो ये पहले यूआरएल लेता है एंड सेकेंड डेटा देता है, तो डेटा डालने के लिए तो डेटा हमें चाहिए, तो डेटा क्या है, हमारा ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है, बट ईमेल एंड पासवर्ड हमने अभी तक बनाया ही नहीं है और हमने नहीं उसको स्टोर किया है, सो हम क्या करेंगे, हम यूज स्टेट का फ़ायदा लेंगे और यूज, ठीक है, सो हम बोलेंगे कॉन्स्ट, क्या बोलेंगे हम, ईमेल और सेट ईमेल, ठीक है, ओके, यूज स्टेट और ये, और क्योंकि अब हम क्या करेंगे, स्टेट मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, सो हम बोलेंगे कॉन्स्ट पासवर्ड सेट पासवर्ड इज इक्वल टू यूज स्टेट। अब हमने ईमेल का फील्ड बनाया, ईमेल का वैल्यू होल्ड करने के लिए हमने पासवर्ड का वैल्यू होल्ड करने के लिए चीज़ें बना दी। नाउ हम क्या करेंगे, इसमें डेटा को फीड भी करेंगे, कैसे डेटा फीड करेंगे, लाइक यहाँ पे इस इनपुट पे आ जाओ, हम बोलेंगे कि इसकी वैल्यू जो है ईमेल की वैल्यू वो कहाँ पे है, ये जो स्टेट है हमारा ईमेल, ईमेल, अब इस ईमेल की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है, नल है, ठीक है, नल मतलब ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। अब जब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैं बोलूँगा कि जब भी ये ईमेल का जो इनपुट है, ये इनपुट इसके ऊपर कुछ भी चेंज हो तो इसके अंदर वैल्यू अपडेट कर दो, तो मैं बोलूँगा कि ऑन चेंज इसके अंदर के इवेंट ग्रैब करो, क्योंकि कुछ तो इवेंट हो रहा है उसको ग्रैब करो, और बोलो कि सेट ईमेल क्या कर दो, उस इवेंट है ना उसकी जो टारगेट है, इस जो टारगेट है उसकी वैल्यू, ठीक है, दैट्स इट, हमारा ईमेल सेट हो जाएगा। फिर पासवर्ड के लिए भी सेम, कि हमारे इसको पहले बताएंगे कि इसका वैल्यू पासवर्ड है, एंड देन हम बोलेंगे कि ऑन चेंज जब भी फंक्शन होगा तब क्या कर दो, इवेंट ग्रैप करो और सेट पासवर्ड क्या सेट करो, ओके सेट पासवर्ड इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट टारगेट डॉट वैल्यू, दैट्स इट। और आपको तो पता है यहाँ पे मुझे कुछ फंक्शन मिशन कॉल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तो जब भी ये सबमिट हो रहा है मेरा फॉर्म इस मेथड को ट्रिगर कर रहा है। अब नाउ हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ईमेल भी है, लाइक कुछ ऐसा हमारे पास डेटा है, तो डेटा ईमेल भी है और पासवर्ड भी है, ओके दैट्स इट। अब हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट, ओके दैट्स द डेटा। अब कुछ कुछ लोग इसको अवेट करना भूल जाते हैं तो बाद में वार्निंग आ जाती है, तो सीख लो, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा कि टोस्ट डॉट सक्सेस, ओके, तो टोस्ट हमने यूज़ नहीं किया, सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम npm import
टोस्ट, अब देखो टोस्ट करूंगा तो टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट हॉस्ट टोस्ट, हम बोलेंगे कि टोस्ट डॉट सक्सेस इज इक्वल टू इस डेटा का मैसेज। अब इस डेटा का मैसेज क्या है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब ठीक है, लेकिन इस टोस्ट को हमने यहाँ पे बनाया, अब इस टोस्ट को इनिशियलाइज इसका टोस्टर करता है, तो टोस्टर को सेट करना ज़रूरी है, तो हम ऐप डॉट जे एस एक्स में आएंगे और यहाँ पे ही हम इसका टोस्ट बना रहे हैं। सो टी ओ एस टी टोस्टर, इस टोस्टर को यहाँ पे सिर्फ लगा देंगे एंड दैट्स इट, ठीक है, गुड। हैंडल साइन अप हो गया, अब इसका बैकएंड पार्ट लिख लेते हैं, क्योंकि हम अभी इसके ऊपर कुछ भी करेंगे तो वो डेटा सबमिट नहीं होगा। सो फॉर दैट हम बैकएंड इनिशियलाइज करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्वर करके फोल्डर बनाएंगे, ओके। इस सर्वर के अंदर अब मैं यहाँ से कमांड लाइन यूज़ करता हूँ, मैं स्प्लिट करूँगा मेरा टर्मिनल, मैं यहाँ पे करूँगा सी डी सर्वर और एन पी एम इनिट और हाइफन वाई। सो ये एम टी रेपो एम टी पैकेज जो है बना के देगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हमारे सर्वर में जब भी लगता है, हमें सर्वर बनाने के लिए लगता है एन पी एम आई, ठीक है, एन पी एम आई एक्सप्रेस लगेगा पहला, सेकंड क्या लगेगा, एक्सप्रेस लगा, फिर आएगा मोंगूज क्योंकि मोंगो डीबी डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, और थर्ड क्या आएगा, कॉर्स आएगा, जो कॉर्स के एरर्स होते हैं लाइक कनेक्शन हैंडल करते हैं हम अलग, ठीक है, क्रॉस ओरिजिन एक्सेस के लिए हमें प्रोवाइड करेगा, बिक्रिप्ट लगेगा एक पासवर्ड हैश करने के लिए, ओके, जेसन वेब टोकन लगेगा पासवर्ड को स्टोर करने, पासवर्ड को एक्चुअली लाइक टोकन बनाने के लिए, ओके, इतनी चीज़ें मुझे नीड है, मैं हर टाइम कुछ ना कुछ तो भूल ही जाता हूँ, ठीक है। कुकी पार्सर भी लगेंगे, कुकी पार्सर इसको एंटर कर देता हूँ एंड ये जो है इंस्टॉल हो जाएगा। भाई लोग हमारा ये जो है लाइक बैकएंड का जो है सब डेटा हो गया। अब हम क्या करते हैं, सोर्स में आते हैं या फिर सोर्स में नहीं सर्वर में आते हैं, यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं इंडेक्स डॉट जे एस, ओके। अब इस इंडेक्स डॉट जे एस में हम क्या करेंगे, सॉरी ये नहीं करेंगे हम बिल्कुल बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज ये सर्वर वाला फाइल है, तो हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। देखो स्पेलिंग यहाँ पे गलती हो सकती है, रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है। अब हम एक्सप्रेस को बुलाएंगे, ठीक है, हम बोलेंगे कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, ग्रेट। हम बोलेंगे कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू 3000, लेकिन हम और चीज़ करेंगे, दैट इज कॉन्स्ट कॉर्स इज इक्वल टू रिक्वायर कॉर्स, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट कुकी पार्सर इज इक्वल टू रिक्वायर कुकी पार्सर, देखते हैं, देखो है, ठीक है। हमें एक और चीज़ लगेगी, दैट इज़ डॉट ई एन वी डॉट एन पी एम आई डॉट ई एन वी, ताकि हम हमारे पासवर्ड्स को सिक्योर रख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे डॉट ई एन वी फाइल भी बना देता हूँ, और एक ई एन वी फाइल एंड डॉट एक डॉट गेट इग्नोर, ठीक है, गेट इग्नोर। अब गेट इग्नोर फाइल क्या करेगी, हमारे इस डॉट ई एन वी फाइल के जो भी डेटा है वो पुश करने में हेल्प कर, मतलब हमारा हम चाहते हैं कि हमारे कुछ सीक्रेट चीज़ें होती हैं जो गिटहब के ऊपर पोस्ट नहीं हो, तो मैं गॉट डॉट ई एन डॉट गेट इग्नोर फाइल में अगर उस फाइल का नाम डालूंगा जिस फाइल के अंदर मेरे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पुश ना हो, तो वो पुश नहीं होगी, सिंपल है, ओके। तो क्या डॉट गेट इग्नोर के अंदर मैं बोलूँगा कि डॉट ई एन वी, मतलब क्या डॉट ई एन वी के अंदर जो भी डेटा है वो पुश ना हो। अब डॉट ई एन वी में मेरे कुछ चीज़ें आएंगी, लेकिन वो हम मैं आपको बताता हूँ। ये देखो ये हो गया, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसमें बोलूँगा कि कॉन्स्ट क्या है डॉट एन वी ना डॉट मैं बोलूँगा रिक्वायर, ठीक है, डॉट ई एन वी डॉट कॉन्फिग, ओके, ग्रेट ग्रेट। सो ये ऐप का पोर्ट जो है 5000, ग्रेट। अब हम कुछ मिडल वेयर लगा देते हैं लाइक कॉन्स्ट ऐप डॉट यूज कॉर्स, ओके, इस कॉर्स को ऐसे छोड़ देते हैं, ऐप डॉट यूज, ठीक है, एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक है, ऐप डॉट यूज़ कुकी पार्सर भी करना पड़ेगा, ऐप डॉट यूज़ कुकी पार्सर भी, एंड और क्या बचता है, और कुछ नहीं बचता, राइट, गुड। अब हम क्या बोलेंगे, ऐप डॉट लिसन
लिसन, हम इस पोर्ट पे लिसन करना चाहेंगे जो हमने ऊपर डिफाइन किया, और जब भी ये लिसन होगा एक कॉल बैक फंक्शन रन होगा और यहाँ पे आएगा कंसोल डॉट लॉग, और हम बैकटेक से अंदर बोलेंगे कि सर्वर रनिंग एट पोर्ट दिस। ओके, एक बार इसको यूज़ करके देखते हैं। लाइक हम अगर नोड मॉन इंडेक्स और जेस करें तो आपको यहाँ पे सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 5000 आ जाना चाहिए। अब बैकएंड से कनेक्शन भी बना लेते हैं, तो हम यहाँ पे सर्वर के अंदर देखो, चेक करो, मैं एक फाइल बनाऊँगा दैट इज़ connection.js। गुड। और कनेक्शन बनाने के लिए हमें मोंगूज का सहायता लेना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा कॉन्स्ट मोंगूज इज इक्वल टू, और आई विल से रिक्वायर मोंगूज। ओके गुड, रिक्वायर मोंगूज क्रिएट। अब मैं बोलूँगा कि कॉन्स्ट एक फंक्शन बनाऊँगा और इस फंक्शन को मैं एक्सपोर्ट करूँगा इस मॉड्यूल से, तो मैं बोलूँगा कॉन्स्ट कनेक्ट डी बी इज इक्वल टू ए सिंक, और यहाँ पे के सिंक फंक्शन होगा, और ये बेसिकली क्या करेगा, ये करेगा ट्राई कैच ब्लॉक में। ओके, एरर होगा तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा रेस्ट डॉट स्टेटस करूँगा 500, डॉट जेसन करूँगा एरर डॉट मैसेज। गुड, मैं बोलूँगा कि कॉन्स्ट कनेक्ट कनेक्शन इज इक्वल टू अवेट करूँगा और बोलूँगा कि मोंगूज डॉट कनेक्ट, मोंगूज के अंदर एक कनेक्ट करके ये होता है मेथड जिसके अंदर हम कनेक्ट करते हैं। अब इस कनेक्ट के अंदर हमें यूआरएल पास करना है कि कहाँ से हम कहाँ पे हमें कनेक्ट करना है, तो वो यूआरएल मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मैं उसको मेरे एनवायरनमेंट फाइल में स्टोर करूँगा, तो मैं बोलूँगा मोंगो यूआरआई इक्वल टू, मैं बोलूँगा देखो ये, अब ये ऐसी यूआरएल क्यों है, बिकॉज ये मैं मेरे लोकल सिस्टम के अंदर मोंगोडीबी कंपस करके होता है, मोंगोडीबी कंपस, तो देखो ये इंस्टॉल किया है, तो उसके वजह से मुझे इसके लिए कनेक्ट करना पड़ेगा। सो आई विल से कि कहाँ पे कनेक्ट हो, यहाँ पे कनेक्ट हो, और डेटाबेस क्या बने, ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है, बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ये मतलब ये क्या है, स्लैश ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन, मतलब ये इस नाम से डेटाबेस बने एंड काम हो जाए। अब लोकल होस्ट कभी कभी काम नहीं करता, तो फॉर दैट वी हैव टू डू वन, ठीक है, अब देखते एक बार, और इसको मैं कनेक्शन कर लूँगा यहाँ पे, दैट इज प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट मोंगो यू आर आई। ओके, मोंगो एंड हियर यू आर आई, बट नाउ लेट्स चेक, और देखो अभी कुछ होगा नहीं क्योंकि हमें इस मेथड को एक्सपोर्ट करके मेरे मेन फाइल में कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे को मैंने कनेक्शन बना लिया, और मैं बोलूँगा कि इफ नॉट ऑफ कनेक्शन पहले, ठीक है, इफ नॉट ऑफ कनेक्शन देन क्या कर दो, कंसोल डॉट लॉग कनेक्शन फेल्ड कर दो, एल्स क्या कर दो, कंसोल डॉट लॉग कर दो कनेक्शन सक्सेसफुल। ग्रेट, अब इस कनेक्ट डीबी फंक्शन को हमें यूज़ करने के लिए एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू कनेक्ट डी बी। गुड, और ये ऐसे करने से काम नहीं होगा, हमें इसके अंदर रैप करना पड़ेगा इस फंक्शन को, ठीक है, आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है, आप देख लो इन, अब ये मेरी फाइल हो गई, अब मैं क्या करूँगा, इम्पोर्ट करूँगा, एक्चुअली मैं ऊपर ही इम्पोर्ट कर देता हूँ, यही बात सही है, इम्पोर्ट करूँगा, और मैं इम्पोर्ट क्या करूँगा, कनेक्ट डी बी करके कुछ इम्पोर्ट करूँगा। ओके, और वो कंपनी डी बी कहाँ पे है, ओके, मैं यहाँ पे इंपोर्ट नहीं यूज़ कर सकता, मैं कॉन्स्ट कनेक्ट डी बी करूँगा, या फिर मैं इसको ऐसे, हाँ ऐसा करना पड़ेगा, कनेक्ट ई सी टी कनेक्ट डी बी, रुको, कनेक्शंस के अंदर कनेक्ट डी बी करके मैंने बनाया मॉड्यूलर एक्सपोर्ट्स में। अब मैं इंडेक्स में भी इसको इज इक्वल टू रिक्वायर, कहाँ से करूँगा मैं इसको, रिक्वायर करूँगा डॉट स्लैश कनेक्शन से। गुड, नाउ इसको मुझे कॉल भी करना है, तो मैं बोलूँगा कि कनेक्ट डी बी, नाउ यू कैन सी कि अगर मैं इसको ऐसा करूँगा तो नोड इंडो डॉट जेएस कनेक्शन सक्सेसफुल, दैट्स इट, सरप्राइज, ठीक है, गुड।
कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने काम कर लिया। अब ओके, यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि हम रेस्पॉन्स और स्टेटस 500 नहीं कर सकते, एक काम करते हैं। ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, कनेक्शन फेल्ड और एरर, दैट्स इट। नाउ इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि हमारा कनेक्शन हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें एक यूज़र मॉडल बनाना है, बिकॉज हम जब स्टोर करेंगे तो हम चाहेंगे कि एक स्ट्रक्चर में हमारा डेटा स्टोर हो, तो हमें मॉडल्स की हेल्प से वो काम करना पड़ता है। अब मैं सर्वर के ऊपर आऊँगा, यहाँ पे मॉडल्स क्रिएट करूँगा, मॉडल्स, ठीक है। अब पहला मेरा मॉडल होगा यूज़र मॉडल, यूज़र मॉडल, या फिर मैं यूज़र लिख देता हूँ, यूज़र डॉट जेएस। अब मैं इसको इसके अंदर, अभी मुझे मॉडल बनाने के लिए ना मोंगूज का जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा इम्पॉन्स्ट मोंगूज इज इक्वल टू रिक्वायर मोंगूज ग्रेट, एंड देन हम क्या बोलेंगे कि कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा इज इक्वल टू न्यू मोंगूज डॉट स्कीमा, ओके। अब मेरे यूज़र के अंदर क्या होगा, ईमेल होगा, तो मैं लिखूँगा कि ईमेल होगा जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग, ओके। और ये क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा, या श्योर रिक्वायर्ड होगा ही ना भाई, यस रिक्वायर्ड ट्रू, ओके। सेकेंड क्या होगा, इसका पासवर्ड होगा, ठीक है, PASSWORD। पासवर्ड क्या होगा इसका, तो पासवर्ड का टाइप होगा स्ट्रिंग, ओके, कर देते हैं हम स्ट्रिंग, WRD। टाइप क्या होगा, और स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग होगा, देन ये भी क्या होगा, रिक्वायर्ड ट्रू होगा, ओके गुड। और थर्ड है OTP, मैं OTP रख दूंगा एक OTP, ये बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसका टाइप क्या होगा, टाइप क्या होगा, ये नंबर होगा, ठीक है, टाइप नंबर होगा, और डिफ़ॉल्ट होगा 0, ओके ठीक है। अब ये चीज़ हो गई, दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसको कॉन्स्ट यूज़र मोंगूज डॉट मॉडल करेंगे इस यूज़र को, एंड देन हम क्या करेंगे, इस मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करेंगे इज इक्वल टू यूज़र, ग्रेट। हमने यूज़र मॉडल बनाया और उसको एक्सपोर्ट किया, दैट्स इट। जिसका ईमेल है उस इस ईमेल फील्ड का, इस ईमेल जो की है, लाइक ईमेल फील्ड का टाइप क्या स्ट्रिंग है, ये रिक्वायर्ड है, यस हाँ है। फिर हमने डाला कि इसमें बताया कि हमने ये इसके अंदर पास पासवर्ड भी है, बस पासवर्ड का टाइप क्या है भाई, तो पासवर्ड का टाइप स्ट्रिंग है, रिक्वायर्ड टू है, ओके। थर्ड है OTP जिसका टाइप नंबर है, और डिफ़ॉल्ट 0, दैट्स इट, ठीक है। अब इस मॉडल को बनाया, इस मॉडल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो चीज़ों को बहुत सिंपल रखने के लिए हम क्या करते हैं, देखो हम यहाँ पे अभी रायता फैला सकते थे, बट मैं इसमें राउट्स करके बनाऊँगा, ठीक है। सर्वर के अंदर आई विल से राउट्स करके, एक अलग फाइल होगी routes.js। अब इस राउट्स के अंदर मेरे मल्टीपल राउट्स होंगे, ओके ओके ठीक है, ठीक है राज भाई। सो मैं बोलूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा कि const express इज इक्वल टू require करो express, ओके express को require किया, दैट्स इट। अब क्या करेंगे, const और const router चाहिए हमें, ओके। तो हम बोलेंगे कि express के अंदर जो router method है उसको बुलाओ, ठीक है। अब third step क्या होता है, module.exports होता है इज इक्वल टू router, ओके। सो हमारा बेसिक राउटिंग वाला फाइल हो गया। अब इसके अंदर हम जो भी बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, routes, यहाँ पे हम सब routes डिफाइन करेंगे। तो लेट अस एड दिस routes इन आवर एप्लीकेशन। तो मैं बोलूँगा कि app.use तो बोलूँगा कि /API, और यहाँ पे हम routes ला लेंगे। अब routes हमने डिफाइन किए नहीं है, सो क्या हमने यहाँ पे बुलाते हैं हम routes को भी, ठीक है। तो बोलूँगा const routes इज इक्वल टू require और /routes, ओके /routes, ओके गुड। अब हमारे /API के आगे जो भी routes बनेंगे वो वहाँ पे आएंगे। सो पहला मेरा route होगा sign up route, ओके। सो लेट्स, मतलब router डॉट, ये कौन सी रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है,
कहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो मैं स्लैश साइन अप के ऊपर डाल देता हूँ, साइन अप के ऊपर है। ओके देन क्या है ये, पहले तो एक एसिंक है ठीक है, रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और हम यहाँ पे ये कर, सो बेसिकली हमने एक साइन अप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बनाया और एक एसिंक। अब ये जो साइन अप है वो डायरेक्टली लोकल होस्ट 5000 स्लैश साइन अप नहीं, स्लैश API स्लैश साइन अप पे वो हो जाएगा ठीक है, बात क्लियर है। हमने यहाँ पे बताया था कि 5000 स्लैश API स्लैश साइन अप पे, तो हमने यहाँ पे जब राउट्स बनाए तो हम राउट्स पे स्लैश साइन अप दे रहे, लेकिन हमने बताया कि इंडेक्स और JS में दैट इज़ कि जो भी हम राउट्स डालेंगे उनके आगे स्लैश API बाई डिफ़ॉल्ट ऐड होना चाहिए, सो दैट्स द रीज़न हमने ये चेंज किया। अब यहाँ पे आएंगे, एक्चुअली में थोड़ा सा गले का प्रॉब्लम है बट वीडियो बनती है। अब जब भी हम साइनअप करेंगे हम यूज़र से क्या ले रहे हैं, तो हम यूज़र से ईमेल और पासवर्ड ले रहे हैं। ओके तो मैं बोलूँगा कॉन्स ईमेल एंड पासवर्ड। अब जो मेरा क्लाइंट है, एक्चुअली क्लाइंट मतलब मेरा रिएक्ट ऐप, वो क्या कर रहा है बॉडी के अंदर जो है इस ईमेल एंड पासवर्ड को भेज रहा है, तो हम क्या करेंगे रिक्वेस्ट की जो बॉडी है उससे ईमेल एंड पासवर्ड लेंगे। ओके गुड ठीक है, देन मैं क्या करूँगा मैं ट्राई कैच ब्लॉक कराऊंगा, लोड हो जा भाई लोड हो जा फटाफट ट्राई कैच ब्लॉक। पहले तो मैं एरर वाला पार्ट लिख देता हूँ बिकॉज दैट सिंपल। सो रिटर्न क्या करेंगे, अगर कुछ एरर आता है तो मैं बोलूँगा रेस्ट ऑफ स्टेटस STATUS ये इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है इंटरनल सर्वर एरर भी ठीक है बट मुझे चाहिए कि एक्चुअल एरर क्या है, सो मैं एरर डॉट मैसेज कर दूँगा। ओके जो इस एरर है उसका मैसेज। अब मैं क्या करूँगा देखो, मुझे साइनअप करने के लिए इस मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं बोलूँगा कॉन्स्ट यूज़र यूज़र इज इक्वल टू रिक्वायर मॉडल स्लैश यूज़र। ओके ऐसे कंट्रोल स्पेस करके चेक किया करो कि इसने जो भी इंपोर्ट किया क्या बराबर इंपोर्ट किया है। यस सबसे पहले अगर मैं साइनअप कर रहा हूँ तो मैं पहले चेक करूँगा कि क्या मेरा ये ईमेल से रजिस्ट्रेशन एग्जिस्ट करता है, तो अगर एग्जिस्ट करता है इसका मतलब क्या है मुझे साइनअप की नहीं मुझे लॉगिन की ज़रूरत है। ओके सो हम पहले उस चीज़ को देखेंगे, तो मैं बोलूँगा लेट यूज़र इज़ इक्वल टू अवेट, सो हम बोलेंगे यूज़र डॉट फाइंड वन, और फाइंड वन से वो फाइंड करेगा और किसके बेसिस पे फाइंड करेगा ईमेल के बेसिस पे। ग्रेट ठीक है, अब हम बोलेंगे कि इफ़ यूज़र है मतलब हिज ऑलरेडी है, तो हम कहेंगे रिटर्न करेंगे रेस्पॉन्स और स्टेटस करेंगे STATUS स्टेटस कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट ठीक है, या फिर हम प्लीज़ लॉगिन भी डाल सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे कि हम बोलेंगे कॉन्स सिक्योर पासवर्ड ठीक है, सिक्योर पासवर्ड साइन अप कर रहा है ना तो पासवर्ड को सिक्योर करना पड़ेगा। अब सिक्योर पासवर्ड में हम लोग क्या करेंगे, हम पहले पासवर्ड को जो है लाइक पासवर्ड आपका प्लेन टेक्स्ट में रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 समझो आपका पासवर्ड है, अगर आप वैसे ही डेटाबेस में स्टोर करोगे तो आपके पास हाई चांसेस है कि आपके पासवर्ड को कोई भी हैक कर लेगा, तो हम उसको क्या करेंगे हम उसको सॉल्व करेंगे मतलब उसमें कुछ और चीज़ डाल देंगे लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 उसके अंदर कुछ और मिक्स मसाला करके उसको डाल देंगे, और जब भी हम पासवर्ड को गेट करेंगे वापस से तब वो मसाला निकाल के प्योर पासवर्ड है वो दे देंगे। अगर आपको समझ नहीं रहा हो तो आप वो समझ जाएगा रुको, लेकिन वो जो मसाला डालने के लिए हमें क्या लगेगा बिक्रिप्ट लगेगा, तो हमें कॉन्स बिक्रिप्ट इज इक्वल टू रिक्वायर बिक्रिप्ट। ओके गुड, हम बोलेंगे अवेट बिक्रिप्ट डॉट हैश, हैश करो बिक्रिप्ट, किसको हैश करो इस पासवर्ड को हैश करो और सॉल्ट राउंड्स 10 दे दो, तो अभी क्या सॉल्ट राउंड्स मतलब बोला ना मसाला, तो वो मसाला ऐसा डालेगा ऐसा डालेगा ऐसा डालेगा तो 10 बार डाल दिया खत्म ठीक है। तो अभी आपका जो पासवर्ड है ठीक है, लेट सपोज आपके पास खिचड़ी है ठीक है, एंड खिचड़ी के अंदर मैं अगर मसाला 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 डालूँ 10 बार डालूँ समझो, तो अभी खिचड़ी पहचान लोगे क्या वो खिचड़ी है करके, नहीं, तो अगर खिचड़ी पहचान लिया तो उसके अंदर मसाला निकालना पड़ेगा। सो हम जब साइन अप करेंगे तो हम मसाला डालेंगे बट जब हम लॉग इन करेंगे ठीक है तब हम मसाला निकालेंगे ठीक है, ये बात याद रखो। हमने पासवर्ड को हैश कर लिया, अब हम क्या करेंगे हम नया यूज़र क्रिएट करेंगे, तो मैं बोलूँगा यूज़र इज इक्वल टू अवेट करूँगा और बोलूँगा कि इस यूज़र डॉट क्रिएट, अब ये यूज़र मतलब क्या मेरा यूज़र मॉडल है, और क्रिएट क्या करेगा इस ईमेल के थ्रू क्रिएट करेगा इस अकाउंट को, और पासवर्ड जो होगा वो क्या होगा
सिक्योर पासवर्ड। अब सिक्योर पासवर्ड क्यों? बिकॉज अगर मैं नॉर्मल पासवर्ड डालूंगा तो वही आपको बताया ना अभी। एंड देन क्या करूंगा, मैं अवेट करूंगा और बोलूंगा कि यूजर डॉट सेव। गुड, चलो बात सही है। और जैसे ये सब सेव भी हो जाता है, इसका मतलब क्या, वो हो गया उसका साइन अप सक्सेसफुल, तो हम इसको मैसेज भेज देते हैं क्लाइंट को, दैट इज़ रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 और जेसन दैट इज जेसन करेंगे और हम बोलते हैं कि मैसेज यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुल। ठीक है, गुड। क्या हमारा एपीआई काम करेगा? लेट्स चेक। पहले और इस एपीआई को हैंडल करने के लिए ना, पहले हमें यहाँ पे कोर्स में बताना पड़ेगा, कोर्स में हमें ये करना पड़ेगा, दैट इज़ ओरिजिन जो है उसको बताना पड़ेगा कहाँ से रिक्वेस्ट आएगा। तो भाई http://local host 5173 से रिक्वेस्ट आएगा। ओके, गुड गुड। अब हम साइमन के पास आते हैं, अब हम ये काम करके देखते हैं, लेकिन उसके पहले क्या चेक करते हैं कि क्या हमारा नोड जेएस सर्वर ओके चालू है। चलो अब देखते हैं, हम यहाँ पे आके ईमेल और पासवर्ड कंट्रोल शिफ्ट आई करूँगा ताकि मेरा कंसोल खुले और हम यहाँ पे नेटवर्क टैब पे चेक करते हैं। अब मेरा ईमेल जो होगा वो होगा test@test.com और मेरा पासवर्ड इज़ गोइंग टू बी 1 2 3 4 5 6 7 8। गुड। अब जब मैं इसको साइन अप करूँगा, देखो साइन अप सक्सेसफुल, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, ग्रेट। देखो पेलोड में हमारा ये पासवर्ड गया और इन रेस्पॉन्स हमें ये मैसेज आया, दैट्स इट। पॉपअप भी आपने देखा, गुड। इसका मतलब क्या, मेरा अभी क्रिएटेड। अब वापस से अगर मैंने इस ईमेल से वापस से कोई यूज़र क्रिएट करने का ट्राई किया तो देखो आया मैसेज और यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो अभी मतलब यूज़र नहीं हो रहा है, अभी रजिस्टर नहीं हो रहा है और ये अच्छी बात है। ठीक है, गुड। तो हमने साइनअप का काम कर दिया, गुड। अब हम क्या करते हैं, राउट्स को, यूज़र मॉडल को रहने देते हैं ऐसे साइड में, ENV फाइल को भी क्लोज कर देते हैं, यूनियन फाइल लगेगा एक्चुअली अपने को अभी नेक्स्ट स्टेप में, और इस इंडेक्स ऑफ जेएस को क्लोज कर देते हैं, साइनअप डॉट जेएसएस को क्लोज कर देते हैं। लेकिन साइनअप डॉट जेएसएक्स है उसका मैं ये पार्ट जो है, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है वो मैं निकाल लूँगा, बिकॉज मुझे लॉगिन में भी सेम चीज़ लगने वाली है। तो मैं लॉगिन जेएस पे आऊँगा और इसमें इस पार्ट को जो है पेस्ट करूँगा और लेट मी चेक कि लॉगिन का राउट बनाया क्या मैंने, तो लॉगिन का राउट नहीं बनाया तो मैं बना देता हूँ राउट पाथ /login। एलिमेंट किस में होगा, इसमें, इसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो होगा लॉगिन एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन मैं यहाँ से मैन्युअली इंपोर्ट कर रहा हूँ, लॉगिन फ्रॉम /pages/ तो ये इंपोर्ट हो जाएगा आपको लॉगिन। अब लॉगिन और जेएस में देखो ये वार्निंग्स दिखा रहे, तो ये वार्निंग इसके लिए दिखा रहा है, ये भी बता रहा है कि यार तुमने सेट पासवर्ड ये नहीं बनाया, ये कुछ है ही नहीं, पता नहीं क्या बनाया तुमने, और ये हैंडल साइनअप भी देखो नॉट डिफाइंड। तो हम क्या करते हैं, हम इसको हैंडल लॉगिन करते हैं पहली बात, क्योंकि ये लॉगिन पेज है, और हम बाकी का कोड यहाँ पे लिख देते हैं। लाइक हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ईमेल चाहिए तो मैं बोलेगा कॉन्स्ट ईमेल सेट ईमेल और यूज स्टेट को भी इंपोर्ट कर लूँगा, तो कंट्रोल स्पेस कर देंगे और यूज स्टेट को, दैट्स इट। आधा प्रॉब्लम तो यहाँ पे सॉल्व। फिर हमारा होगा पास, तो हम बोलेंगे सेट पासवर्ड यूज स्टेट और ब्लैंक। ओके, थर्ड होगा हमारा कॉन्स्ट हैंडल लॉगिन होगा, ये भी एसिंक्रोनस फंक्शन आल्सो इट, ये हमें इवेंट देगा और हम पहले के पहले क्या करते हैं, प्रीवेंट डिफॉल्ट करते हैं, ई डॉट प्रीवेंट PREVENT प्रीवेंट डिफॉल्ट एंड जो भी चीज़ें करनी है उसकी बात करते हैं। अब देखो ये सब क्लोज है, ये साइन अप करेंगे उसको, ये जो है उसको लिख देते हैं हम लॉग इन। ठीक है, लॉग इन। ओके, रेस्ट चेक करते हैं क्या है, और हमें
लॉग इन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट, क्रिएट योर अकाउंट वहाँ पे डाल देंगे, हम बोलेंगे लॉग इन। ओके, ये लॉग इन यहाँ पे कर दिया और हम इस पे बोलते हैं लॉग साइन अप, क्रिएट एन अकाउंट। ओके, क्रिएट एन अकाउंट ACCC। ओके, उसको हटा। नाउ अभी मैं अगर आपको इस पेज पे लेके जाऊँ तो ये यहाँ पे भाई साहब कुछ बता रहे हैं। लेट्स सी भाई साहब ने क्या वार्निंग दिया। भाई साहब इज सेइंग कि एक्सपेक्टेड टोकन, अनएक्सपेक्टेड टोकन। ओके, लेट्स गो हियर। ओके, यहाँ पे मैंने इसको क्लोज नहीं किया। देखो साइन अप पेज अब मेरा यहाँ पे है, अगर मैं इसको लिंक करना चाहूँगा तो मैं इसको लिंक कर रहा हूँ। देखो मैं इसको लिंक भी करता हूँ, मैं काम करता हूँ साइन अप पेज से इस लॉगिन पेज को लिंक करता हूँ। तो साइन अप पेज यहाँ पे मैं लिंक इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट करूँगा दैट इज लिंक फ्रॉम रिएक्ट ऑटोडॉम। सो लिंक को हमने इम्पोर्ट किया एंड देन हम सिर्फ इतना सा करना है काम कि जहाँ पे ये है ना इसको लिंक से रैप कर देना है, लिंक से, और उसको बताना है कि कहाँ से। तो लिंक टू स्लैश लॉगिन। ओके, ओ दैट्स इट। अब लॉगिन में आके हमें भी सेम काम करना है, लिंक को इंपोर्ट करना है। सो हम बोलेंगे कि इंपोर्ट लिंक, अल्सो एक्चुअल भी इंपोर्ट करना ही है बट कर सकते हैं, कंट्रोल स्पेस करके रुके हैं हम, लिंक को इंपोर्ट करना है। और यहाँ पे आके लिंक टू साइन अप। नाउ यू कैन चेक कि अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हम देखो लॉग इन एग्जिस्टिंग अकाउंट, ये लॉग इन वाला, क्रिएट योर अकाउंट, क्रिएट, देखो हो गया, कितना इजीली टॉगल कर पा रहे हैं साइन अप और लॉग इन। और लॉग इन पेज पे आते हैं, लॉग इन पेज पे हमें फंक्शन लिखना है। सो लेट्स इंपोर्ट इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। अब क्या करते हैं हम ट्राई कैच ब्लॉक में भी, यहाँ पे भी हम ट्राई कैच ब्लॉक कर सकते हैं लेकिन मुझे इसका इतना नीड नहीं है। ठीक है, आप वैलिडेशंस कर लो कि हमारा जो है वो पासवर्ड वगैरह एम्प्टी नहीं है। तो मैं बोला कॉन्स्ट रेस्ट इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट। अब ये रिक्वेस्ट हम कहाँ पे मारेंगे, http स्लैश स्लैश लोकल होस्ट 5000 स्लैश लॉग इन डेट। और इसमें हमारा डेटा कौन सा रहेगा, तो डेटा हमारा रहेगा ईमेल एंड पासवर्ड। गुड, यस गुड। अब हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट बोलेंगे और बोलेंगे रेस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, रेस्पॉन्स डॉट डेटा होता है इसमें, फेच एपीआई जब यूज़ करते हो तो रेस्पॉन्स डॉट जेसन होता है। ओके गुड, आई नो मेरा आज एनर्जी डाउन है लेकिन आज मुझे ये वीडियो करना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे टोस्ट भी भेज देना है तो मैं इम्पोर्ट रिएक्ट होते ग्रेट। अब हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट या फिर क्या करेंगे, टोस्ट डॉट सक्सेस क्या है, डेटा डॉट मैसेज। ओके गुड गुड, ओके गुड। देखो मैंने मेरा मेन फंक्शन जो है लिख लिया है कि लॉगिन करने के बाद क्या हो, ये हो ये हो। ओके ग्रेट, अब जैसे ही ये ऐसा हो तब क्या हो, मैं इसको रिडायरेक्ट करना चाहूँगा होम पेज पे या फिर कुछ और। मैं चेक करता हूँ, मैं ना इसको नेविगेट करता हूँ होम पेज पे। तो यहाँ पे यूज़ नेविगेट में यहाँ से इंपोर्ट करूँगा और यूज़ नेविगेट हुक को मुझे यहाँ पे बताना भी पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा कॉन्स्ट कॉन्स्ट नेविगेट यूज़ नेविगेट। ओके गुड, और मैं क्या बोलूँगा कि नेविगेट टू स्लैश
बस, तो जैसे मेरा लॉगिन हो जाएगा ये कर देगा, ये नेविगेट। ओके, अब बात आती है यहाँ पे राउट्स की बनाने की। तो हम राउट्स और जेस पे आएंगे, हम क्या कर रहे हैं, ईमेल और पासवर्ड भेज रहे हैं और हम चाहते हैं लॉगिन हो। सो मैं इसको माइनस कर देता हूँ और अब यहाँ पे हम राउटर डॉट डॉट पोस्ट होगा स्लैश लॉगिन, ठीक है, लॉगिन। ये होगा एक एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स होगा, रिक्वेस्ट, गुड, यस। अब पहले मुझे ईमेल और पासवर्ड ग्रैब करना है, तो मेरा कॉन्स कॉन्स ईमेल पासवर्ड ग्रैब करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको ट्राई कैच ब्लॉक में डालूँगा रिचार्ज। अब ट्राई कैच ब्लॉक में क्यों, क्योंकि फॉर एग्जांपल कुछ एरर आ गया, ठीक है, तो ट्राई कैच से कुछ होता है, सब कुछ कुछ एरर आ गया तो क्या हो, सर्वर क्रैश ना हो इसके लिए। अब मैं पहले रिटर्न रेस्पॉन्स स्टेटस, जब कुछ एरर आता है तो पहले ये करो, और ट्राई में क्या करो, लेट यूज़र इज इक्वल टू अवेट करो और यूज़र डॉट फाइंड करो, ओके फाइंड वन करो और ईमेल के थ्रू फाइंड करो। सो अगर मुझे यूज़र नहीं मिलता, इफ़ यूज़र, लेकिन क्या नहीं, अगर यूज़र नहीं मिलता इसका मतलब क्या है कि मैंने साइन अप तो किया ही नहीं है, तो मैं बोलूँगा यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट, प्लीज़ साइन अप भी, साइन इन भी डाल सकता हूँ, ठीक है। ऐसे क्या करो, मैं बोलूँगा कि कॉन्स्ट पासवर्ड मैच, और टू मैं बोलूँगा अवेट, और मैं बीक्रिप्ट से क्या करूँगा, पासवर्ड को कंपेयर करूँगा, कंपेयर कंपेयर कर। अब मैं कौन से पासवर्ड को कंपेयर करूँगा, तो मैं अभी यूज़र ने जो एंटर किया वो पासवर्ड को कंपेयर करूँगा किसके साथ, यूज़र के पास जो ऑलरेडी पासवर्ड है उसके साथ, समझ गए। इफ अगर पासवर्ड मेरा मैच नहीं होता तो उसका अभी कोड आएगा यहाँ पे, तब क्या कर दो, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स भेज दो, और अगर भेजता है तो क्या कर दो, तब एक काम करो, तब एक टोकन बनाओ। अब टोकन हम बनाएंगे किस में, जे डब्ल्यू टू के थ्रू, तो मैं बोलूँगा कौन, जे डब्ल्यू टी इज इक्वल टू रिक्वायर जेसन वेब टोकन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोलूँगा कि कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू जे डब्ल्यू टी डॉट, मैं बोलूँगा अवेट भी करूँ क्या, यस करूँगा, जे डब्ल्यू टी डॉट साइन करो और आईडी साइन करो, जिसकी होगा यूज़र डॉट, यूज़र की जो अंडरस्कोर आईडी है वो, ओके। फिर साइन करो टोकन को, फिर कहाँ से साइन करो, तो मैं बोलूँ प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट जे डब्ल्यू टी सीक्रेट। सो हमें साइन करने के लिए सीक्रेट देनी पड़ती है, जे डब्ल्यू टी सीक्रेट, राइट, आर यू टी। देखो इसके ऊपर एक डिटेल जो वीडियो है वो कहाँ पे है, ऊपर है या फिर नीचे है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, 4 हार्स की है, ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन पूरा कम्प्लीटली एक्सप्लेन्ड है उसमें, आप चाहिए तो समझ सकते हो कि ये उसका एक्सटेंडेड पार्ट है, बिकॉज यहाँ पे हमारा ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन होने वाला है और वहाँ पे नहीं था। तो देखो यार हमारे यहाँ पे अवेट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, है क्या, अवेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है करके देखते हैं, अगर वो 3 डॉट आए तो समझने का नहीं। जे डब्ल्यू टी सीक्रेट, अब जे डब्ल्यू टी सीक्रेट चेक करते हैं कि यहाँ पे बना हुआ है क्या, तो बिल्कुल नहीं, तो हमें जे डब्ल्यू टी सीक्रेट बनानी पड़ेगी, कि सी आर ए डी, तो हम बोलेंगे ये। अब ये सीक्रेट में आपका कुछ भी टेक्स्ट हो सकता है, लेकिन याद रखो कि ऐसा बेसिक ना हो, थोड़ा अच्छा सीक्रेट करो, और फिर इसको एक्सपायर्स के प्रॉपर्टी दो कि टोकन कब एक्सपायर हो, टोकन मेरा 1 डे में। अब देखो ये डब ऐसे जब आ जाता है तो समझ जाने का कि देखो इसका कुछ इफेक्ट नहीं है, तो हम इसको रिमूव कर लेंगे। अब इस टोकन, अब ये टोकन बन गया, अब मैं क्या करना चाहूँगा, इस टोकन को मेरा कुकी में डालूंगा और वो कुकी मेरी सिक्योर होगी और उसको मैं भेज दूंगा, कॉन्स्ट, तो मैं बोलूँगा रेस्पॉन्स डॉट कुकी, उसके क्या कर दो, ये कर दो टोकन कर दो,
उसकी वैल्यू क्या है, टोकन, और एचटीटीपी ओनली ट्रू और सिक्योर ट्रू करो, ट्रू करो और सिक्योर ट्रू करो। और जैसे मैं एचटीटीपी ओनली ट्रू करता हूँ तो हमारी इस कुकी को क्लाइंट साइड पे कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, ओके, जावास्क्रिप्ट एक्सेस नहीं कर सकते। दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, हम जैसे ही कुकी सेंड कर देंगे और हम क्या करें, रेस्पॉन्स रिटर्न कुछ करेंगे, रेस्पॉन्स स्टेटस 200, दैट इज़ लॉग्ड इन सक्सेसफुली, ठीक है। तो अब हम देखेंगे तो इस टोकन पर आ जाए, ठीक है, गुड। बस कुकी तो भेज रहा है, ओके, प्रॉपरली। अब लेट्स चेक कि कहाँ पे कुछ एरर, ओके, नाउ लेट्स चेक, हम लॉगिन करके चेक कर लेते हैं। रुको, यहाँ पे टोकन क्लोज क्लोज बराबर है, ये भी क्लोज है, नथिंग, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और लॉगिन अटेम्प्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे एंड देन दिस नेटवर्क के पास। नाउ लेट्स से क्या था मेरा, test@test.com था, 1 2 3 4 5 6 7 8 पासवर्ड था, लॉगिन कर रहा हूँ, दैट्स इट, लॉगिन सक्सेसफुली और मेरा हेलो वर्ल्ड इस पे आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ तो कर लूँगा, मैं ना होम पेज पे जाऊँगा, होम पेज एक्चुअली मेरा है ही नहीं यहाँ पे, मैं एक होम पेज बनाता हूँ और उसमें एक्चुअली एक फंक्शन भी लगाता हूँ, ठीक है। चलो दो इतना, ठीक है, तो मेरा लॉगिन हो रहा है, ठीक है। अब मैं ज़्यादा इसमें अभी सोचूंगा नहीं कि मैं स्टेट्स हैंडल करूँ एंड देन मैं चेक करूँ कि यूज़र मेरा ऑथेंटिकेटेड रहे, वो सब आप ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के वीडियो में देख लो, बार बार वही चीज़ रिपीट करके कुछ फ़ायदा नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, अब हम क्या बनाएंगे, हम लॉगिन के पास एक ऑप्शन देंगे, जो भी मेरा लॉगिन है, ठीक है, अब लॉगिन हो रहा है, आपने खुद देखा। अब मैं यहाँ पे स्लैश लॉगिन वाले राउट पे जा रहा हूँ, ओके। अब हम क्रिएट लॉगिन वाले राउट पे, हम पासवर्ड के नीचे एक और एक ऑप्शन देंगे, दैट इज़ फॉरगॉट पासवर्ड, लॉगिन के नीचे यहाँ पे मैं इस चीज़ को कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे बोलूँगा फॉरवर्ड पासवर्ड, पासवर्ड, ओके। और यहाँ पे ये स्लैश फॉरवर्ड पे जाना पड़ती है, तो मैं अभी मैं क्या करता हूँ, मैं फॉरवर्ड करके एक पेज बनाता हूँ, अब RFC करूँगा, ओके। नाउ इसको कंट्रोल एल ऐसे और app.jsx में इसको बनाऊँ, लेट्स इम्पोर्ट दिस फॉरगॉट। अब ये फॉरगॉट कहाँ से आएगा, तो मेरा फॉरगॉट आएगा इम्पोर्ट FOGOT फ्रॉम / पेजेस ले फॉरगॉट, ग्रेट, ओके। अब इस फॉरगॉट पासवर्ड के लिए मैं क्या बोलूँगा कि जब लॉग इन हो ना तो इस राउट पे चले जाए, दैट इज फॉरगॉट, ओके, फॉरगॉट था, राइट, फॉरगॉट था, फॉरगॉट, ओके, गुड। फॉरगॉट पे लॉगिन पे, और मैं क्या करूँगा, मैं इसको टेक्स्ट एक्स्ट्रा स्मॉल और लेट मी चेक कि अभी कैसे दिख रहा है, तो ये देखो फॉरगॉट पासवर्ड का यहाँ पे दिख रहा है, ओके, ओके, देखो फॉरगॉट के राउट पे जा रहा है। अब मैं ये सभी डेटा कॉपी करूँगा यहाँ पे लॉगिन से और मैं ओके, अब मैं क्या करूँगा, ये पूरा डेटा कॉपी करूँगा यहाँ से, लॉगिन का डेटा कॉपी कर रहा हूँ, ओके, ध्यान दो, कॉपी कर रहा हूँ और साइनअप
इसका नीड नहीं है, लॉगिन की भी मुझे नीड नहीं था। एवरेजेस कंट्रोल और मैं इस फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आई विल बी पेस्टिंग द थिंग्स। ओके नाउ मुझे इसमें किसी चीज़ की नीड नहीं है, तो मुझे पहली बात मुझे क्रिएट एन अकाउंट की बिल्कुल नीड नहीं है, ये वैलिडिटी की नीड नहीं है और इसकी भी लिंक नहीं है। ठीक है, मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ इसको इसकी नीड नहीं है मुझे, और मैं बोलूँगा यहाँ पे लॉग इन और लॉग इन बोलूँगा और लॉग इन विद existing ओके ये। सो अब अगर मैं इसको इसको लॉग इन नहीं, मैं इसको क्या करूँगा, मैं सेंड OTP करके या फिर OTP करके भेज देता हूँ। बेसिकली क्या होगा, ये फॉरवर्ड पासवर्ड पे काम करेंगे, हम एक ईमेल के ऊपर OTP भेजेंगे। ठीक है, ओके OTP यहाँ पे सेंड OTP और यहाँ पे ईमेल है, ग्रेट। मैं इस पासवर्ड वाले की चीज़ को निकाल देता हूँ। ठीक है, अब मुझे ईमेल और ये लिंक को इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो मैं फटाफट फटाफट हैंडल फॉरगॉट लिख देता हूँ। ठीक है, अब फटाफट फटाफट से मैं न्यू स्टेट, ओके सो कौन सा हैंडल फॉरगॉट ये है। अब ई और पर इवेंट डिफॉल्ट भी होना चाहिए, ग्रेट। देखो इसने मुझे ऑलरेडी कोड लिख के दिया है एंड आई एम वेल सेटिस्फाइड विद दैट कोड। अब इस लिंक को इंपोर्ट करना बाकी है। लिंक भी लगेगा और यूज नेविगेट भी लगेगा, यूज नेविगेट। ठीक है, गेट। अब न्यूज नेविगेट क्या करेगा, जैसे भी ये होगा फॉरवर्ड पासवर्ड पे, जैसे भी OTP चेंज होगा तो ये नेविगेट मुझे करके देगा। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये इस्टेब्लिश कर देता हूँ उसका। तो कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, ओके। अब बेसिकली क्या होगा, देखो पोस्ट होगा, ठीक है, API/forgot पे और ईमेल जाएगा। अब जो भी ईमेल वहाँ पे जाएगा वो क्या करेगा, वहाँ पे हम कुछ तो लॉजिक लिखेंगे जिससे ईमेल के ऊपर पासवर्ड वगैरह बन के सेंड हो जाए और हमारे डेटाबेस में पासवर्ड अपडेट हो। देन हमारा जो भी मैसेज आएगा वो हमें होगा और टोस्ट को भी इंपोर्ट करना बाकी है, तो टोस्ट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट और टोस्ट है ना, नेविगेट करेंगे हम होम पे। एक्चुअली हम नेविगेट होम पे नहीं करेंगे, हम वेरीफाई OTP पे करेंगे, लेकिन वेरीफाई OTP अभी तक हमारा बना नहीं है, तो लेट इट बी। गुड, बोलेंगे राउटर डॉट पोस्ट फॉरगॉट पे, तो एसिंक होगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ईमेल ग्रैब करना है, तो मतलब कौन ईमेल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, ओके गुड। अब हमें क्या करना है, ट्राई कैच करना है। मैं राइट क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, ट्राई कैच करना है एरर। ठीक है, और अगर एरर एग्जिस्ट करता है सो व्हाट वी हैव टू डू, अगर एरर एग्जिस्ट करता है तो वी हैव टू रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस बस, ओके। एल्स क्या करना है हमें, ओ लेट मैं पहले कॉन्स्ट रैंडम ठीक है जनरेट OTP करके एक वेरिएबल बनाता हूँ, और मैं क्या बोलता हूँ कि मैथ डॉट फ्लोर। ठीक है, क्या करना है हमें,
हमें क्या करना है, मैथ डॉट रैंडम जो है इनटू करना है किसके, 10,000 को, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, ये क्या करेगा, ये मुझे क्या करेगा, पोर्ट डिजिट ओटीपी दे देगा, ठीक है। अब मेरी बात, क्या क्या हमने मैथ डॉट रैंडम इनटू 10,000 किया और उसको मैथ डॉट फ्लोर में रैप कर दिया, तो अभी मुझे 4 डिजिट का ओटीपी मिल जाएगा, ठीक है, गुड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोड मेलर को सेटअप करेंगे। अब नोड मेलर क्यों, क्योंकि भाई हम क्या करने वाले हैं, हम ईमेल पे जो है ओटीपी भेजने वाले हैं। सो लेट्स डू दैट। तो कैसे करेंगे हम, ठीक है, पहले इसको बंद करेंगे और हम बोलेंगे यहाँ पे npm my node mailer, ओके, NodeMailer, तो नोड मेलर को इंस्टॉल करेंगे और तब तक हम यहाँ पे नोड मेलर के डॉक्यूमेंटेशन को चेक करते हैं। ऑल्सो हम नोड मेलर के लिए ईमेल सर्विस यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ मेल ट्रैप, मेल ट्रैप, ठीक है। तो देखो मैंने ऑलरेडी मिलेगा मुझे, ओ आपको मेल ट्रैप पे लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप भी फटाफट लॉग इन करो, मैं भी फटाफट लॉग इन करके आता हूँ। अभी आपने अगर इसको साइन अप और लॉग इन किया रहेगा तो आपको ये मिल गया रहेगा। अब आप इसमें ईमेल टेस्टिंग भी कर सकते हो, लाइक आप ये भी कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा, अब आप इसमें जब करोगे, मैंने जब आपको रेफरेंस दिया था कि मैंने जो है वो फ्लेवर ऐप का बैकएंड सेटअप किया, उसमें मैंने ये टाइप का सेलेक्ट किया था और देन हम आगे गए थे, ठीक है, ऑलरेडी मेरा अकाउंट बनाया था उसमें, तो इसमें मैंने ये टाइप का सेलेक्ट करके हम आगे गए थे। तब उसमें हमने क्या नोटिस किया था, जो भी हम ईमेल भेज भी रहे हैं ना, वो हमारे ईमेल पे ही सब कुछ हो रहा है। अब हम इस टाइम पे ये वाला ट्राई करेंगे, आई एग्जैक्टली डोंट नो हाउ इट्स वर्क, बट ठीक है, हम इसमें स्टार्ट सेंडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। डोमेन्स, क्या बोलते हैं इसमें, डोमेन ऐड करने का बोल रहा है, ओके, एक्चुअली मैं डोमेन ऐड वगैरह नहीं करना चाहूँगा, मैं बैक करूँगा, स्टार्ट टेस्टिंग पर क्लिक करूँगा, ठीक है, ओके, गुड। अब हम यहाँ पे कर्ल हम चेक करेंगे, हमें नोड मिलर चाहिए, ठीक है, दिस दिस इज़ द थिंग। अब हम नोड मिलर के ऊपर आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर हम आएंगे, ठीक है। सो मेरे नोड मेलर में हमने जो पहला स्टेप था, दैट इज़ npm इंस्टॉल नोड मेलर, वो कर लिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तो हम कॉन्स ट्रांसपोर्टर, ठीक है, ये और ये करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास ट्रांसपोर्टर यहाँ पे ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे ये करेंगे, कॉपी करेंगे इसको, और ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कॉन्स्ट नोड मेलर इज इक्वल टू रिक्वायर नोड मेलर, ओके, ठीक है, कंट्रोल स्पेस करके देखेंगे, इज इट वर्किंग, यस, नोड मेलर, ग्रेट। अब फॉरगॉट पासवर्ड, ये जैसे ही ये चीज़ हो, क्या करो, एक ये ट्रांसपोर्ट हो जाए सेटअप, गुड, ये कौन सा ट्रांसपोर्ट, ओके, हमने ये कॉपी किया। नाउ हमें नोड मिलर से देखो, अब हमारे पास ये चीज़ ऑलरेडी है, ठीक है, क्योंकि हमारे नोड वो हमने मेल ट्रैप से ले लिया। जब आपको आपका आप सही में चाहते हो कि आपका सब जीमेल के ऊपर हो, लाइक अगर आप थर्ड पार्टी सर्विस इंस्टॉल नहीं करना चाहते, तब आपको क्या करना पड़ेगा, इस देखो ये आपको कॉपी करना पड़ेगा, ये चीज़ यहाँ पे होस्ट की जगह पे आपका, लाइक आपके यहाँ पे कुछ, रुको रुको मुझे एक बार देखने दो, मैं पहले करता था। तो देखो ये आपके होस्ट की जगह पे आपका यहाँ पे जो है आपका ईमेल आएगा, ठीक है, और यहाँ पे SMTP, या फिर आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया था, मेरा मर्नस्टैक का जो मैंने पोर्टफोलियो ऑप्शन बनाया था ना, उस टाइम में मैंने सेट किया था, मेरे को याद नहीं खुद को, ठीक है, बट यहाँ पे आपका वो आता है कि SMTP सर्विस या फिर जीमेल सर्विस आती है, देन आपका ऑथेंटिकेशन में आपके आपको ऐप पासवर्ड्स होता है, आपका 2-स्टेप वेरिफिकेशन आप ऑन करोगे तो आपको पता चल जाएगा, तो उसमें आपके यूज़र नेम और आपको पासवर्ड डालना पड़ता है, वो ऐप का पासवर्ड, और यहाँ पे आपका ईमेल आता है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें, इसलिए मैं इतना सब झंझट मारी करने से अच्छा मैं आपको, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। अब देखो क्या होगा, हमें इस इन्फो वाले इसको कॉपी करना पड़ेगा, आओ
और यहाँ पे आके बस इन्फो वाली चीज़ को पेस्ट करो। आई नो एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे ट्रांसपोर्टर है और ट्रांसपोर्ट है, तो मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टर कर दूँ। अब ईमेल किसको ईमेल सेंड करना है, तो हम यहाँ पे देखो ईमेल किसको सेंड करना है, इस ईमेल को, ठीक है, ऑब्वियसली ना, उस ईमेल को जो ईमेल हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको ही सेंड करना है। ओके, फ्रॉम ईमेल किसको सेंड करेंगे, फ्रॉम हम बोलेंगे कि ये होगा coder29@gmail.com, ठीक है, ये यहाँ मतलब फ्रॉम किससे, तो इससे सेंड करना है। किसको सेंड करना है, तो इस भाई को सेंड करना है। ये भाई कौन है हमारा, ये भाई है हमारा ईमेल, जो भी ईमेल है वो, ठीक है। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लाइन मैं बोलूँगा कि न्यू पासवर्ड जनरेटेड, न्यू न्यू ओटीपी जनरेटेड, ओटीपी टी, ठीक है। देखो ये प्लेन टेक्स्ट होनी चाहिए, मैं एक्चुअली HTML सेंड करूँगा और मैं बोल्ड टैग में भेजूँगा, मैं बोल्ड टैग में भेजूँगा कि ओ टी पी इज, और यहाँ पे मैं इटैलिक टैग यूज़ करूँगा थोड़ा सा, और OTP भेज दूँगा, जो भी मेरा OTP होगा वो, ठीक है। अब मैं इसको जावास्क्रिप्ट यूज़ करने के लिए मुझे इसको बैकटेप्स के अंदर रैप करना होगा, एंड मैं इसको रैप करके रहूँगा। ओके OTP, तो यहाँ पे कौन सा, मैं OTP भेजूँगा जो हमने जनरेट OTP किया है ना, जनरेट OTP इस वेरिएबल, कंट्रोल सी कॉपी कंट्रोल वी पेस्ट, तो OTP है। अब हमें क्या बताना है कि देखो अगर अगर इसकी मैसेज की आईडी है, लाइक देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम बोलेंगे कि अगर इफ इफ इन्फो डॉट मैसेज आईडी, अगर इस इन्फो में, इन्फो नाम के, अगर इसकी मैसेज आईडी है, इसका मतलब क्या वो सेंड हो गया है, तब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे क्या, ये रिटर्न तो हम बाद में करेंगे, इस इन्फो की मैसेज आईडी है तब क्या करो, तब मैंने अभी तक OTP बनाया, उसको मेल पे भेजा, लेकिन मेरे डेटाबेस में अपडेट नहीं किया, तो मैं बोलूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि लेट यूज़र इज इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट फाइंड वन एंड अपडेट करूँगा, ठीक है। फाइंड किसे करूँगा, तो मैं इस ईमेल से फाइंड करूँगा, और अपडेट क्या करूँगा, ये ओ टी पी जनरेट OTP करूँगा अपडेट, और इसको न्यू ट्रू कर दूँगा, ठीक है। और इफ़ नॉट ऑफ यूज़र देन क्या करूँगा, मैं यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट एल्स क्या कर दो, बस ये इतना ही, गुड। और हम अब मेल पे तो चेक ही कर सकते हैं, यूज़र डज नॉट, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमारा देखो मेन काम हो गया, हमने किया जनरेट, और हमारे पास मेल पे OTP आना चाहिए और डेटाबेस में भी अपडेट होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब कंपास भी खोल लेते हैं, ठीक है, कंपास MongoDB कंपास, ओके। देखो अब मैं इसको कनेक्ट करना चाहूँगा, बहुत टायर्ड हो चुका हूँ यार, पानी का बॉटल कहाँ पे, आई डोंट नो, ठीक है छोड़ो। देखो अभी हमने कौन सा था, OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन ये था, इसमें यूज़र्स के अंदर देखो एक ये है, देखो इसका पासवर्ड कैसे होगा, इसका OTP 0 है। अब हम क्या करेंगे, इसका ये करके देखते हैं कहाँ पे है, ये स्लैश फॉरवर्ड पे हम डाल रहे हैं, तो बाकी का सब हो रहा है। अब लॉगिन स्लैश फॉरवर्ड पे आएंगे, देखो इसने एग्जॉस, ओके इंपोर्ट एग्जॉस करो,
एक्जोस, ओके नाम ये काम करना चाहिए, और मैं इसको नोड मॉन इंडेक्स और जेस करके देखते हैं कि अगर कुछ एरर रहेगा तो पहले ही बता देगा, और हमारा सर्वर तो वैसे भी स्टार्ट करना पड़ेगा ही। ग्रेट, सो कनेक्शन सक्सेसफुल, नाउ लेट्स चेक कि क्या हो रहा है। लाइक मुझे लग रहा है कुछ एरर आ सकता है, ठीक है, एरर ही नहीं आया तो अच्छी बात है। तो ये देखो, ये लॉगिन है तो मुझे फॉरगॉट पासवर्ड पे जाना है, फॉरगॉट पासवर्ड, और ये लॉगिन विद एग्जिस्टिंग ईमेल, ठीक है चलेगा। ईमेल मुझे एंटर करना है, एड्रेस test@test.com, आई डोंट नो विल इट वर्क और नॉट। देखो अगर वर्क हुआ तो आपको लाइक करना पड़ेगा, ठीक है, मानते हो कि नहीं, मानते हो कि नहीं। सेंड ओटीपी कर रहा हूँ, धक धक हो रहा है भाई, धक धक, यस फॉरगॉट, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। नाउ लेट्स चेक कि क्या सही में ओटीपी सेंड सक्सेसफुली है। मेल ट्रैप के ऊपर आएंगे, देखो यहाँ पे लोडिंग होगा, न्यू ओटीपी जनरेटेड, और ये मैसेज देखो इस ईमेल पे आया, ओके 3209 मेरा एक 4 डिजिट का ओटीपी है। अब लेट्स चेक करते हैं कि क्या मेरे डेटाबेस में अपडेट हो गया। यस, पासवर्ड देखो, ओटीपी अपडेट हो गया, ठीक है, ठीक है, गुड। अब है मेरा ओटीपी है, मतलब मेरा फॉरगॉट पासवर्ड का हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, वेरीफाई ओटीपी करके एक पेज बनाऊँगा। अब तो वेरीफाई otp.js, verify.jsx। अब देखो मेरा पासवर्ड हो गया, अब मुझे उसका वेरिफिकेशन की बिल्कुल ज़रूरत है, ठीक है, वेरीफाई। अब इस वेरीफाई पेज को मैं एड्रेस के अंदर भी कॉल करूँगा, राउट पाथ /verify। मैं अगर आपको ये चीज़ समझ रहा है, मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा कि पहले इसके बाद आप, अगर आपको ऑथेंटिकेशन समझ में नहीं आया तो पहले आप ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन वाला वीडियो देखो, लेकिन अगर आपको आपने ऑलरेडी देख लिया या फिर आपको ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन आता है और अगर आप ये कंप्लीट कर देते हो, देन फ्लेवर ऑफ फूड बैक एंड बिल्कुल मिस मत करना, वो जाके चेक करो प्लीज़, ठीक है, वेरीफाई। ओके, इस वेरीफाई को कंट्रोल फेस करके इम्पोर्ट होकर देखता हूँ कितना टाइम लग रहा है, इससे ज़्यादा तो मैं ऐसे इम्पोर्ट करूँ। गुड, ठीक है, वेरीफाई पेज आ रहा है। अब लेट्स चेक करते हैं कि वेरीफाई पेज है कि नहीं। ओके गुड, स्लैश देखो, देखो वेरीफाई पेज, वेरीफाई ओटीपी, ओके नाउ एक्चुअली वेरीफाई ओटीपी नहीं है पेज का नाम, वेरीफाई है। है क्या कुछ वेरीफाई, अच्छा वेरीफाई में अंदर कुछ लिखा नहीं क्या मैंने, /VARFYY, ओके VARIFY, वेरीफाई, ओके। अब इस वेरीफाई पेज के अंदर मैं वो डिज़ाइन कॉपी करूँगा लॉगिन के ऊपर या फिर ये फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर, ये डिज़ाइन था मैं काम करता हूँ लॉगिन के ऊपर का ही डिज़ाइन कॉपी कर लेता हूँ, यही चीज़ और वेरीफाई के ऊपर आएगा। इसमें इनपुट टाइप देखो, अब इसमें ना कुछ चीज़ें चेंज होगी, दैट इज़ हैंडल और वेरीफाई, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, ये कैसिंग फंक्शन है, और ये पहले क्या कर रहा, ई डॉट डिफॉल्ट, ग्रेट, ठीक। अब हैंडल वेरीफाई का एरर आ जाना चाहिए, वेरीफाई, ओके गुड। अब हम यहाँ पे ये इनपुट टाइप है ना, टेक्स्ट होना चाहिए एक्चुअली, तो हम इसमें ओटीपी कर देंगे, टाइप टेक्स्ट है ये, इसमें ओटीपी डालेंगे, ओटीपी
ओटीपी, यहाँ पे भी ओटीपी, यहाँ पे भी सेट ईमेल, तो सेट ओटीपी करेंगे। बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं कि ओटीपी सेट करेंगे यहाँ पे, और नीचे हम पासवर्ड सेट करेंगे, ठीक है, नया पासवर्ड जो भी हम डालेंगे वो। सो हम क्या करते हैं, कौन ओटीपी करेंगे, ओके, एक और कॉन्स्ट पास वर्ड और सेट पास वर्ड, ओके गुड। ओके गुड, अब सी ओ एन एस टी कॉन्स्ट, ओ टी पी सेट ओ टी पी आ रहा है, पासवर्ड सेट पासवर्ड, ओके। अब इस लिंक टू फॉरगॉट पासवर्ड का बिल्कुल ज़रूरत नहीं। देखो ये सब अगर इतना हो गया इसका मतलब आप वापस से तो अकाउंट कुछ करोगे नहीं, ठीक है। अब लॉगिन तो नहीं, ये क्या है, फॉरगॉट, क्या वेरीफाई ओटीपी, वेरीफाई ओटीपी, ओके गुड। और यहाँ पे देखिए वेरीफिकेशन, नाउ लेट्स टेक दिस पेज, वेरीफिकेशन पेज है, यहाँ पे ईमेल पासवर्ड नहीं, यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड डाल देता हूँ मैं, यहाँ पे ओटीपी डाल दो, ओटीपी, और यहाँ पे न्यू पासवर्ड, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर लेता हूँ, दैट इज़ इंपोर्ट लिंक यूज़ नेविगेट तो होगा ही, ऊपर से एक्सजॉस तो होगा ही, और टोस्ट होगा। अब नेविगेट से मैं यहाँ पे कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज़ नेविगेट, बस ख़त्म। और एक है लिंक वगैरह तो यूज़ करूँगा, लिंक वगैरह यहाँ पे, अच्छा एक्चुअली लिंक है ही नहीं इस पेज में, ओके गुड। अब हम क्या करते हैं, एक्सजॉस भी लगा देते हैं, कि हम बोलेंगे कि कॉन्स्ट कॉन्स्ट रेस, अच्छा ई बी यहाँ से ग्रैप करना बाकी है तो ई बी ग्रैप करते, इवेंट, ओ मस्त, कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट बोलेंगे, और बोलेंगे हम एक्सजॉस डॉट पोस्ट ही लगाएंगे, और बोलेंगे एच टी टी पी स्लैश स्लैश लोकल होस्ट 5000 ए पी एस एस वेरीफाई, ओके। और डेटा क्या जाएगा मेरा, ओ टी पी जाएगा वो, और मेरा क्या जाएगा पासवर्ड, गुड। इसके बाद में हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट रेस्पॉन्स डॉट डेटा, एंड देन हम क्या करेंगे, टोस्ट डॉट सक्सेस करेंगे, डेटा डॉट मैसेज, ग्रेट, मेरा फ्रंट एंड का काम डन। यहाँ पे मैं नया पासवर्ड डालूंगा, ओके ठीक है, नया पासवर्ड, ठीक है। मैं अभी क्या करूँगा, इस वेरीफाई पेज के लिए बनाऊँगा, ठीक है, और जैसे ही ये वेरीफाई हो जाता है मैं लॉगिन पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करूँगा ना, तो मैं फॉरगॉट वेरीफाई, एक्चुअली वेरीफाई, ओके, पहले फॉरगॉट पेज पे जाके मैं क्या करूँगा, इसमें वेरी वेरीफाई, एंड देन मैं वेरीफाई पेज पे आके क्या करूँगा, मैं बोलूँगा नेविगेट स्लैश लॉगिन, गुड, ओके। क्योंकि जब मैं वेरिफिकेशन मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो क्या करूँगा, मैं ऑब्वियसली लॉगिन करूँगा। अब मैं राउट के पास आऊँगा, और राउट के पास राउटर डॉट पोस्ट स्लैश वेरी वेरीफाई, ओके। और ये क्या एसिंक्रोनस है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है इसके पास, ये क्या ग्रैप कर रहा है, ये कॉन्स्ट ओ टी पी और पासवर्ड ग्रैप कर रहा है, और ये जो पासवर्ड है वो पुराना पासवर्ड नई पासवर्ड है, तो नया ही पासवर्ड है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, ठीक है। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि लेट्स ट्राई, पहले ट्राई कैच ब्लॉक बना देते हैं, ठीक है, यार सजेशंस क्यों नहीं आ रहे, मैसेज क्या है, ओके गुड, लेट यूज़र
इज इक्वल टू अवेट यूजर डॉट फाइंड वन ओटीपी, ठीक है, इफ नॉट ऑफ यूजर, नॉट ऑफ यूजर देन क्या करो, देन क्या कर दो, देन रिटर्न कर दो इनवैलिड ओटीपी, एल्स क्या कर दो, एल्स एल्स क्या करो, देखो कौन एक सिक्योर पासवर्ड जनरेट करो, मतलब क्या करेगा ऑब्वियसली ना, अभी ये पासवर्ड आपने जो नया बनाया है वो क्या आप ऐसे डालोगे क्या, नहीं ना, आप वापस से इसको क्या करोगे, इसको हैश करोगे, तो मैं बोलूँगा बिक्रेप डॉट हैश करो इस पासवर्ड को, पासवर्ड को और 10, ठीक है, जैसे ये काम हो जाता है तुम क्या करो, ठीक है, अब ये क्या होगा, जैसे ही ये पासवर्ड का काम हो गया हम क्या बोलेंगे, हम यूज़र, इस यूज़र को क्या करेंगे, हम अवेट करेंगे और बोलेंगे यूज़र डॉट फाइंड वन एंड अपडेट, ठीक है, और फाइंड किस ओटीपी से फाइंड करेंगे, और हम क्या करेंगे, हम इसका, ठीक है, हम ये देखो ये चीज़ करेंगे कि हम पासवर्ड इसका सिक्योर पासवर्ड कर देंगे और ये, लेकिन हम उसके साथ साथ क्या करेंगे, इसका ओटीपी जो है, क्योंकि हमने अभी ओटीपी इसका कुछ चेंज किया, राइट, हम इस ओटीपी को वापस से ज़ीरो पे रीसेट कर देंगे। इसका मतलब क्या, मैंने पासवर्ड सेट किया, मतलब मैंने ओटीपी मंगाया, तो जब मैंने उनसे ओटीपी मंगाया मैंने मेल पे, मेरे डेटाबेस में भी मेरा ओटीपी अपडेट हो गया था, राइट। अब जैसे ही मैं वापस से उसको उस ओटीपी को वेरीफाई करूँगा, तो क्या मैं चाहूँगा कि मेरा पुराना ओटीपी वहाँ पे रहे, ऑब्वियसली नॉट, तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, ज़ीरो कर रहा हूँ, ठीक है, यस सर। अब मैं क्या करूँगा, लेट इफ नॉट ऑफ यूज़र एन इनवैलिड ओटीपी, ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी चेक लगा दिया है, तो सजेशंस कुछ फ़ायदा नहीं है, और रिटर्न करेंगे हम, ठीक है, फाइंड वन एंड अपडेट हो गया, एंड देन हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे रेस्ट डॉट वो पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब लेट्स चेक, अब लेट्स चेक इज इट वर्किंग फाइन और नॉट। तो पहली बात, ओटीपी के लिए हम क्या कर देते, हमारे ईमेल पे ओटीपी क्या है था, सो ओटीपी क्या है मेरा, इसमें 3209 है, ओके, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 3209। मैं पासवर्ड में क्या बोल रहा हूँ, मैं टेस्ट person, ठीक है, टेस्ट पर्सन डाल दिया, वेरीफाई ओटीपी क्या, देखो पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली आ गया। अब मैं चेक करता हूँ कि मैं ये नहीं, तो ठीक है, टेस्ट एट द टेस्ट डॉट कॉम है, और मैं पुराना पासवर्ड क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, लॉग इन कर रहा हूँ, लॉग इन नहीं हो रहा है, ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, 500 मेरा रिसेट हो गया, ठीक है, मतलब वेरीफाई हो गया और वो ज़ीरो हो गया। अब अगर मैं मेरे पुराने पासवर्ड से लॉग इन करने का कोशिश भी कर रहा हूँ, देखो अगर मैं इसको देखूँगा इसका इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, लेकिन वही अगर मैं नया पासवर्ड डालूँगा, लाइक कैसे, मैं बोलूँगा टेस्ट पर्सन, दैट्स इट, योर यूज़र लॉग्ड इन, ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, वापस से एक बार क्या करते हैं, लॉग इन पे जाते हैं, ठीक है। अब ठीक है, मुझे आपको मेन समझाना था, वो तो मैं समझा लिया। अब वापस से मैं अगर टेस्ट करता हूँ, और मैं समझो पासवर्ड भूल गया, अगर मैं चेंज फॉरवर्ड पासवर्ड जाता हूँ, ईमेल टाइप करता हूँ लेट इस टेस्ट एट टेस्ट डॉट कॉम, और मैं सेंड ओटीपी करता हूँ, तो देखो देखो ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, मेल ट्रैप पे आएंगे और आप देखोगे यहाँ पे नया ओटीपी आया। अब इस टाइम पे ओटीपी मेरा जो बना है वो है 5119, ठीक है, रैंडम ओटीपी जनरेट होगा मोंगोडीबी डेटा में, देखो अब यहाँ पे 5119 मेरा ओटीपी है। अब इस ओटीपी को मैं यहाँ पे वापस से ओटीपी क्या 5119, और नया पासवर्ड क्या बोलूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके रुको, वापस से 2 3 4 5 6 7 8, गुड, वेरीफाई ओटीपी कर रहा हूँ, पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अगर मैं वही ईमेल के साथ
अब 1 2 3 4 5 6 7 8 कर रहा हूँ तब ये चल रहा है, देखो लॉग इन सक्सेसफुली, ओके गुड। अगर मैं इसको लॉग इन कर रहा हूँ और इसमें अगर वो पुराना पासवर्ड डाल रहा हूँ, ठीक है कर ओके। ईमेल क्या था, test@test.com, पासवर्ड क्या है 1 2 3 4 5, ओ सॉरी पहला वाला हो ना, तो वो क्या था टेस्ट पर्सन डाला था मैंने, वो कर रहा हूँ और लॉग इन कर रहा हूँ, देखो इनवाइट क्रेडेंशियल। दैट्स इट फाइनली हमने एक पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन सीख लिया। क्या बोलते हो, पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन हमने सीख लिया है। अब आप जाओ वो बैकएंड वाला पार्ट देखो, लाइक फ्लेवर ऐप का बैकएंड, आपका गेम एकदम ऑसम है। ठीक है, सोर्स कोड के लिए नीचे चेक करो। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।